हाँ तो वही है कि कॉन्टेक्ट लिस्ट पे कोई दिक्कत नहीं। रिपेमेंट, रिपेमेंट क्या रिपेमेंट? नहीं करने गया था मैं, अभी आपके साथ कांटेक्ट नहीं हुआ था मेरे साथ, मतलब करने गया तो वो मर्चेंट आईडी है तो इसपे पेमेंट भी ले रहा था। नहीं वो हाँ मर्चेंट आईडी है आपका, ये सेफ है, यान सेफ है वो, इसलिए नहीं कर सकते हम पेमेंट, ऐसा बोली थे वो, फोन पे से भी फार आ रहा था तो करने गया था लेकिन ले रहा था नहीं। फिर आपका यूट्यूब में ऐसा मारा तो आपका ही आया, आपको कांटेक्ट किया मैं। उसके बाद मैं कुछ एप्लीकेशन भी डाउनलोड नहीं किया, किधर भी नहीं देखा मैं उसके बाद। कुछ दिक्कत तो नहीं होगी ना भैया, कोई ये दिक्कत नहीं प्रॉब्लम होगी, नहीं कोई होगी दिक्कत, उसमें कोई तकलीफ आपको नहीं होगी। ना, वो फ्रॉड ही है ना, पूरा कंप्लीट फ्रॉड है वो। वो पूरा कम्प्लीटली फ्रॉड है भाई, समझ गया ना? वो पूरा कम्प्लीटली, हाँ मैं उसमें कोई शक नहीं है कि भाई वो फ्रॉड नहीं है, समझ गए हैं? हाँ वो 100% मतलब कि फ्रॉड ही एप्लीकेशन है, ठीक है? हाँ ओके ओके यार हाँ। वही बैठ, थोड़ा टेंशन हो रही थी सुबह में, इसलिए मैं इतनी बार कॉल किया आपका, ऐसा मत बोलो, मतलब टेंशन हो रही थी इसलिए कॉल किया इतने बार। ना अभी तो तो मैं हाँ 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 बोलिए, बताइए। नहीं मैं अभी व्हाट्सएप तो डिलीट, मैं अकाउंट ही करता हूँ, मैं डायरेक्ट व्हाट्सएप डिलीट नहीं करता भाई, डिलीट मैं अकाउंट के नंबर से व्हाट्सएप भी डिलीट करता हूँ। तो फिर एक दूसरा, और आपके पास हाँ दूसरा नंबर होगा ना आपके पास? है, दूसरा नंबर है। तो दूसरे नंबर पर व्हाट्सएप क्रिएट कीजिए, मैसेज कर दीजिएगा मेरे पास। हाँ भाई यदि हाँ मैं करता हूँ, मेरे को जो ये रोज मेरा नंबर है का, वही है। जो रोज का अपडेट चलता रहेगा, आज कॉल आया कल नहीं आया, तो हमको अपडेट अप करते रहिएगा। ओके कैसे ओके फंस गए थे इसके भैया चक्कर में? भैया, वो एक इंस्टाग्राम में ऐड आया था, बस वैसे वो बहुत दिन से आ रहा था मुझे, बस इंस्टॉल किया नंबर, जैसे ही मैं फिल किया नंबर, फिल करने बाद में मैं अपील किया भी नहीं, मुझे दे दो लोन बोल के ऑटोमेटिक ले लिया भैया। मैं अपील किया भी नहीं, बस मैं देखने जा रहा था क्या है इंटरफेस वगैरह, ट्राई करेंगे अगर अच्छा रहे तो देखने आया, तो बस मैं लॉग इन करने के बाद में ऑटोमेटिक ऐसा अमाउंट क्रेडिट हो गया, उधर दिखा रहा है 4,500 आपको मिलेगा लेकिन अकाउंट में आया है सिर्फ 2,000, अकाउंट में आया सिर्फ 2,000 आया है अकाउंट पे। अभी वो रीपेमेंट के लिए 4,500 मांग रहे। अच्छा ठीक है भाई करेंगे, 4,500 करने भी गया मैं रीपेमेंट लेकिन लिया नहीं, वो मर्चेंट आईडी है वैसा बोला वो। हाँ वो ऐसा, फिर वो एप्लीकेशन का रिव्यू देगा, मैं वो एंड्रॉइड में नहीं है भैया, ये आईओएस में है, फ्रॉड फ्रॉड एप्लीकेशन है वो। एप्लीकेशन है। हाँ मतलब तो वो ऐसा मेरा जो सेल्फी का था नहीं, उस पे गंदे पिक्स पे ज्वाइन किए थे वो, कल वाला जो मैसेज आया था ना वो न्यूज पिक में शेयर करेंगे आपके फैमिली को, ऐसा कुछ बोल रहे थे वो, ऐसा कुछ नहीं होगा ना। ना ना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा आपके साथ, समझ गया? हाँ, मतलब आप जैसा मैं आपके पास हूँ वैसा बहुत लोग आए आपके पास, हाँ मतलब हाँ मैं कंप्लीट सॉल्व हो गया। बिल्कुल कम्प्लीटली सॉल्व हो गया उनका। ओके ओके ये जानना था भाई। अब मैं आपको दूसरे मैसेज से मेरा नाम और मैं आपको मैसेज करता हूँ, देखो नाम, मैं आपको मैसेज और नाम और ये नंबर मैसेज कर दीजिएगा, यस ताकि यस मैं हाँ हाँ पता चल ओके सके। ठीक ओके ओके भाई मैं है, ठीक, मैसेज करता हूँ आपको, आप ओके तुरंत डिलीट कर रहा हूँ देखो मैं। ओके ओके ओके, ठीक है, ओके, ओके ठीक भाई थैंक यू भाई, थैंक यू। चलिए दोस्तों, बात विचार हो गया। वीडियो को कंप्लीट देखिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, आधा अधूरा वीडियो मत देखिए, ठीक है? यदि आधा अधूरा वीडियो देखिए, कुछ समझ में नहीं आएगा, पूरा आप लोग कंप्लीट देखते रहिए वीडियो, समझ गए ना? कंप्लीटली देखिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है? हाँ भाई बोलिए, बताइए। हाँ भैया वो कॉल वॉल तो नहीं आया मेरे को, नहीं ये ना, कॉल नहीं आया ना आपका, हो गया है काम? बोले नहीं थे कि रात भर टाइम दीजिएगा कल? अच्छा, जब बिल्कुल प्रूफ वो होगा तब पैसा। हाँ, अरे प्रूफ है आप पर भेज देते हैं, ठीक है? भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपके आपसे कॉन्टेक्ट किया, आपने करवा दिया मेरा ट्रीटमेंट, मैं खाना नहीं खा पा रहा था भैया 4-5 दिन से, तो बिल्कुल 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 बिल्कुल। तबीयत तबीयत खराब जैसा हो गया था भैया, तो ना तो वो बहुत बहुत फ्रॉड आपका एप्लीकेशन है ना, है धन्यवाद, कि नहीं? वो तो आपका, मान लीजिए कॉन्टेक्ट लिस्ट चला गया। आपके पास दो नंबर है कोई, कि एक ही नंबर आप यूज करते हैं?
तो ये नंबर पर आप ये कीजिए, व्हाट्सएप हटा दीजिए, ठीक है? बाकी तो आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट का काम हो गया है, समझ गए? मान लीजिए कि आपके नंबर पर यदि कोई दिक्कत कर दे, समझ गए ना, कॉल, तो ये कीजिए कॉल को चालू रहने दीजिए, ठीक है? नंबर को बंद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस पर व्हाट्सएप है ना, व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर दीजिए, दूसरे नंबर पर व्हाट्सएप बना लीजिए। हाँ, दूसरे नंबर पर व्हाट्सएप आप बना लीजिए। नया नंबर नहीं ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं, क्या दिक्कत है? बहुत जगह नंबर चल गया। अच्छा। हाँ, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बदल सकते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पूरा ही बदल लीजिए, क्या दिक्कत है, पूरा ही बदल लीजिए। अरे भैया, आप लोग के सपोर्ट से ही हम लोग इतना, मतलब अभी पीसफुल, आप बोले हैं जब से हम पीसफुल फील कर रहे हैं, तो अब कसम से बता। ना तो आपका एकदम जो भी था आपका काम हो गया, उसमें कोई दिक्कत है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ना ना, कोई किसी कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल नहीं जाएगा आपसे। कल रात तक हम टाइम मांगे थे, 6-6 एप्लीकेशन में, मतलब कि आपका डेटा था, समझ गए, सर्वर में। तो रात भर हम आपसे टाइम मांगे थे कि भाई आप रात भर टाइम दे दीजिए, आपका काम हम करवा देंगे, समझ गए। तो आपका कम्प्लीटली हो गया, तो अब कोई दिक्कत या कोई आपको परेशानी आएगी नहीं कभी भी। आपको कभी भी परेशानी हो ना पटना आने के बाद, आप हमको कांटेक्ट कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम नया भी नंबर ले लेंगे ना, तो आपको दे देंगे। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी सीन होगा भैया, हमको कांटेक्ट कीजिएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्योंकि भैया बता दे, आप बिहारी हैं, हम भी बिहारी, तो आप मेरा दर्द समझ सकते हैं। परेशान अब क्या, अब देखिए होता क्या है ना, कब किसको क्या पता कि भाई फ्रॉड है कि ओरिजिनल है कि नहीं। भाई पता है मेरे को ना कुछ जरूरत था, ठीक है ना, तो थ्री एप्लीकेशन मैंने डाउनलोड किया, तो कि होगा कुछ, मतलब एप स्टोर पे है तो कुछ वेरीफाइड ही होगा ना, फिर तो एप स्टोर नहीं ना देता। एप्पल है वो भी, एप्पल का मोबाइल है। हाँ हाँ, तो वो डाउनलोड कर लिया मैंने, तो उसके बाद क्या हुआ कि वो पता नहीं अपने आप अप्रूवल हो गया, रात को एक आने पैसे आ गए, और फिर पेमेंट के टाइम पे वो 7 दिन का कौन लोन होता, तो जिस वक्त 7 दिन का लोन ही नहीं होता है ना, फिर तो लोन होता है 1 मंथ 3 मंथ ऐसा लोन होता है सबका। वो 7 दिन में, वो 7 दिन में मांग रहा है 4500-2600 देता है, 4500 मेरा दिमाग में समझ नहीं आ रहा था, मैं कर भी रहा था उसको पेमेंट, जब मैंने जब किया ना, वो यूटीआई बार बार ना यूटीआई चेंज हो रहा था उसका, तो मेरा दिमाग में खट था, तो मैं यूटीआई पे सर्च किया था आपका वीडियो देगा, तो ऐसा ऐसा सीन है, तो मेरे दिमाग में आया कि नहीं नहीं भैया से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो ही सुधार सकते हैं, सोल्यूशन कर सकते हैं। तो इसी कारण भैया मैंने आपको बोला, आपने मेरे को ऐसा किया, आज दिन भर कॉल नहीं है तो भैया बहुत, मतलब मैं चेंज पता भैया बहुत चेंज हूँ, ना कि बहुत चेंज थे, सोच रहा हूँ भैया 2-3 दिन के बाद मैं नंबर को चेंज कर लूं अपना आराम से। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, चेंज कर लीजिए। हाँ, सब चीज क्लियर हो गया आपका। कुछ मतलब मेरे को ऐसा प्रूफ दे दिया है? भेज देंगे आज हम आपको प्रूफ, हम भेज देंगे, ठीक है? ठीक है, आज हम आपको भेज देंगे और बता देंगे, ठीक है? ठीक है भैया, धन्यवाद। ऐसा कोई कॉल वॉल नहीं आएगा? ना ना, कोई कॉल नहीं आएगा। अच्छा भैया, थैंक यू भैया, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आपने इतना सपोर्ट किया हमारे छोटे भाई को, सपोर्ट किया आप। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू भैया, सो मच भैया। आप क्या मतलब कोई कोर्स वोर्स किए हुए क्या भैया? वो नहीं, हम नहीं, हम मेरा काम है वीडियो बनाना, मेरा कॉन्टेक्ट है, समझ गए? जो लोग रिमूव करता है ना, उनसे मेरा कॉन्टेक्ट है, मेरा तो काम है वीडियो बनाना, यूट्यूब पर बोलना भाई कि होता है, समझ गए? तो होता है तो चलो, सर्वर में ही काम करवाते हैं वो। हाँ हाँ, डायरेक्ट सर्वर ही को मतलब ये चीज करवाया जाता है। वो अभी अभी नहीं होता तो भैया क्या बोलते हैं, अभी ये काम नहीं होता तो अभी तो मैसेज वैसेज आ भी गए। हाँ, कॉन्टेक्ट लिस्ट पर तो गाली गलौज करता रहता, समझ गए, फोटो वोटो भेजता है वो सब। हाँ, जब भी कोई कंपनी आरबीआई अप्रूव रहता है, वो पूरा ब्यूरोक्रेट रहता है, वो
ऐसा नहीं है कि वो मतलब कि कुछ भी ब्लैकमेल कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं करता वो। वो सिर्फ बोलता है कि आप बैंक के पेमेंट कर दीजिए, आपका सिविल स्कोर अच्छा है, बस इतना ही बोलता है। ये लोग तो भाई फोटो पे फोटो भेज रहे हैं, शादी का रोज प्रॉपर कर रहे हैं। भैया मैं उस टाइम कोलकाता में था, ठीक है ना, मैं उस आपको कॉल कर रहा था ना कि भैया मैं थोड़ा बाहर हूँ, कोलकाता में, तो मैं वो बन नहीं रहा था। मैं घर आया तो पैसे वैसे का इंतजाम किया, फिर आपको दिया, फिर आपको मैंने कल पेमेंट किया, तो आपने रात भर में मेरा करवा दिया। प्रॉपर डाटा कैसे चला गया था, मतलब समझ। वो शेयर कर दिया था आपका, समझ गया ना, अच्छा, ताकि बार बार कॉल कर सके। लगातार कॉल नहीं आता है तो अलग अलग सब सर्वर से आता है लगातार एकदम। अच्छा, हाँ, ताकि आप तो पर मार लग। अच्छा, हाँ, वो हो गया, वो 6 का हो गया। अच्छा, बहुत धन्यवाद यार। ऐसा कुछ भी मेरे को टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ तो आप ही से कांटेक्ट करो, बिल्कुल, जो भी होगा आप हमको पूछिएगा, हम आपको बता देंगे कुछ भी। आपके बाद कॉल करते हैं, क्योंकि कोई कोड एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड करेंगे। ना तो पहले लोन लेने से पहले एप्लीकेशन को देख लीजिएगा यूट्यूब पर कि क्या बढ़िया एप्लीकेशन है, खराब है। आपके पास लोन क्या, आपके पास कुछ किसी पैसे भी नहीं हाँ, मांगोगे, ऐसा ऐसा मतलब हो गया। क्या सुन रहे बता रहे हो, इतना टेंशन में था ना, 2-4 दिन पूरा दशहरा मेरा पूरा बर्बाद चला गया, पूरा प्रॉपर। दशहरा दिन कहाँ घूमेगा इधर, दिन में तो मतलब टेंशन ही रहता होगा किसी पर कॉल भेजेगा। वही ना, वो कॉल कीजिएगा प्लस की वो बार बार मैसेज कर रहा है, मैं जब भी डाटा खोल रहा हूँ जब भी मैसेज कर रहा है, मैसेज कर रहा है बार 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 बार, टेंशन हो रहा है। मैं भी नहीं पा रहा हूँ, अच्छे से देख भी नहीं पा रहा हूँ, इंजॉय भी नहीं कर पा रहा हूँ, टेंशन में वही मेरा बीत गया। फिर कल आया तो पेमेंट वेमेंट का उपाय किया, फिर आपको दिया, फिर आपने मेरे को ये सोल्यूशन। इसका कुछ बिल्कुल, प्रूफ वूफ, अगर अगर ऐसा कुछ प्रूफ है तो मेरे को थोड़ा भेज सकते हाँ, हैं, प्रूफ आपको भेज देंगे, टेंशन मत लीजिए, प्लीज। हम आपको प्रूफ भेज देंगे। ओके ओके भैया, ऐसा कोई भी कांटेक्ट रहेगा तो मैं आपको डायरेक्ट कॉल करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी ऐसा होता है तो मेरे पास आप कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं, थैंक यू भैया, ठीक है, ठीक है भाई, आप ठीक, भेज दीजिएगा प्रूफ, ठीक हाँ है हाँ ना, भेज देते हैं आप पर, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। चलिए भाई, वीडियो को कंप्लीट देखिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, आधा अधूरा वीडियो मत देखिए। चलिए, आधा अधूरा वीडियो देखिए, कुछ समझ में नहीं आएगा। हाँ भाई, बोलिए, बताइए। मेगा वो डाटा रिलीज हो गया सर इससे, हाँ, आपका हो गया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब कॉल वगैरह तो मेरे भी ना आएगी सर, बना ना, आई तो। कोई आपका ये कॉन्टेक्ट लिस्ट सारा चीज़ हो गया है, जो भी उनके पास था, समझ गया ना। हाँ, ठीक है, बाकी फोटो कोई वगैरह तो नहीं थी? ना ना, फोटो वोटो नहीं थी भाई। तो अप्लीकेशन तो अनइंस्टॉल किया है ना आप, ऐसा वैसा वो तो मैं कोई बहुत लिंक उंक पर अभी बहुत क्लिक। देर से मैंने हाँ मेरा था, मेरे को 15-20 दिन हो गए इंस्टॉल किए हुए। अच्छा, मतलब 15-20 दिन से मतलब आपको परेशानी कर रहा है। नहीं, नहीं, मतलब कि कल कल की ड्यू थी इसकी डेट, अच्छा, तो इसका रिपेमेंट किए थे क्या पहले, मतलब पहले काफी बार कर चुका था मैं। इसको चला रहे थे कर कर कर। नहीं, हाँ, बस ये लास्ट था, बस ड्यू था, मेरा मूड नहीं गया। पर आपकी जो वीडियो वीडियो देखी, पर मेरा मूड खिसक गया, मैं क्या पता घाटे में जा रहा हूँ कितना मतलब आज तक पैसा इसीलिए। दे दिए होंगे इसको। सर मैंने बताओ, मैंने अपने पल्ले से 10,000 एक्स्ट्रा डाल दिए इनको, ठीक तो ये फ्रॉड है ना, साथ ही है। दिन में मतलब कि डबल पैसा मांगता है सर। हाँ नहीं, एक डबल हजार मांग रहे हैं देकर 15 दिन में। 1,000 देकर 2,000 मांगेगा सर, समझ गए, उसका डबल। वही है ना सर, 18-20 हज़ार में लेता था तो मतलब कि 18 हज़ार की मिलावट है तो मतलब 15 हज़ार ही देते, 1500-14 हज़ार का कम काट लेते। और डबल मांगता था सर। डबल मांगता था, मैं परेशान हो गया था, तो वही मैंने है कहा आपको कि कॉल कर धमकियों की लेते। दे रहा होगा सब आपको, धमकियों की दे रहा था। नहीं अभी तक कॉल पे, अभी तक कॉल कॉल तो कोई बात ही नहीं हुई ना, कल तो कल की ड्यू डेट थी ना, उसके बाद होती धमकी धमकी देता तो। अच्छा, हाँ, ना तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिलहाल एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल है ना, इंस्टॉल मत कीजिएगा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन जब मैंने पीआरपी का आपसे जब मैंने इंस्टॉल करवाया था, अच्छा हाँ, तब उसी दिन से मैंने सभी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिए थे उसी दिन अच्छा से, अच्छा तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना सर। बाकी मैसेज, बाकी मैसेज वगैरह आ रहे हैं व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के लिए, और कॉल तो नहीं आई अभी कोई भी। ठीक ना ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, कॉन्टेक्ट लिस्ट पर है कोई वो भी कॉल में स्क्रीन, से नहीं जाएगी। ठीक है सर, वो मुझे वो भिजवा देते हैं आप स्क्रीनशॉट, हाँ, प्रूफ स्क्रीनशॉट भिजवा देते हैं आप पर, ठीक है सर। ठीक बाकी कोई है। दिक्कत होगी फिर मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगी हमसे आप कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ओके, ओके, ठीक। चलिए भाई, वीडियो को कंप्लीट देखिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
हाँ बोलिए, बताइए, आवाज आ रही है आपकी। जी, मेरा हस्बैंड ने एक एप्स पे लॉगिन किया था जो फ्लेक्सिबल कैश बोल बोल के है, तो वहां से 1,000 रुपए के आसपास लिया था शायद, ठीक है। तो अभी आज से वो लोग बहुत सारा परेशान कर रहे हैं कि वो पैसे दे दो ऐसा कुछ, और कुछ वीडियो बनाया वो भेज रहे हैं, कॉन्टेक्ट पूरा हैक कर लिया। तो वही दिक्कत हो रहा है कि क्या करें अब, क्या पेमेंट करने से क्या ये बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ ना, तो वीडियो रिपेमेंट में करने दिख। से नहीं बंद होगा। कौन सा एप्लीकेशन है आपका? फ्लेक्सिबल कैश। अच्छा, फ्लेक्सिबल कैश है। हाँ तो हाँ ये फ्रॉड एप्लीकेशन है। कब हुआ आपके साथ ये? जी, आज ही तो स्टार्ट किया है ये जो मैसेज वगैरह देना, वही तो बिल्कुल। क्या करे वो ही समझ नहीं आ रहा है। अगर कॉल वगैरह करते तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो वही है कि हम लोग डेटा रिमूव कराते हैं, वीडियो देखे होंगे तो ठीक है, डेटा रिमूव हो जाएगा तो उसके बाद कोई कॉल हाँ मैसेज नहीं आएगा। अच्छा, हाँ, तो उसके लिए कितना पेमेंट करना पड़ता है? डेटा रिमूव कर लिया, आपने वीडियो मेरा देखा होगा तो 2,450 रुपये लगता है। अच्छा तो उसमें ठीक डिटेल है, आपका लगेगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, रजिस्टर, मोबाइल नंबर। ठीक है, ओके ठीक है ठीक मेन काम होता है रजिस्टर मोबाइल नंबर का। है। बाकी अच्छा ये जो पैन कार्ड आधार कार्ड मांगा जाता है वो डिटेल मैच करने के लिए मांगा जाता है कि आप ही का डिटेल है या नहीं है। हाँ हाँ, तो अच्छा अच्छा यूपीआईडी आप पर मेंशन कर देते हैं, उसी पर आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ओके। ओके ठीक है, ठीक। अच्छा हाँ चलिए भाई, वीडियो को कंप्लीट देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आधा अधूरा वीडियो मत देखिए। चलिए भाई, कॉल लगाते हैं। हाँ भाई, बोलिए, बताइए। तो पहले से आप कोई एनबीएफसी एप्लीकेशन से लोन लिया था क्या? तो अभी एम पॉकेट का भी लोन चल रहा है कि एम पॉकेट का लोन क्लोज हो गया है? कितना का लोन था उसमें? अच्छा, सिविल कितना है अभी? तो 790 है, 790। 719, 19। अच्छा, 19। तो देखिए, लोन लेने के लिए 750 होता है, 750 होना चाहिए। अच्छा, किस किस एप्लीकेशन में आपका लोन रिजेक्ट हुआ? तो कि अच्छा, तो आप ट्राई इसमें किए हैं, मनी व्यू, ट्रू बैलेंस, रूपी रीडी, रिंग, किस्त? ओ अच्छा, तो इसका अभी कितना दिन मतलब कि बकाया है एम पॉकेट का लोन देने का? अच्छा, तो देखिए, आपको बता देना चाहता हूँ, कभी आपको थोड़ा वेट करना होगा। ठीक है, आपका एंड्रॉयड फ़ोन है या आईफोन है आपका? अच्छा, तो फ्रॉड एप्लीकेशन में आप आजमाना हाँ चाहते हैं आप? तो फ्रॉड एप्लीकेशन है आप पर हम भेजते हैं, उस एप्लीकेशन में आप अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, रुक जाइए, लाइन पर रहिए, हम आप पर फ्रॉड एप्लीकेशन का लिस्ट हम भेजते हैं। ठीक है ना? आपका स्टार्टिंग नंबर कितने से है? लास्ट में कितना नंबर है लास्ट में?
2760 देखिए भेज दिया पर। हाँ तो देखिए ये सब एप्लीकेशन है अभी, ठीक है। ये सब भी रिजेक्ट हुआ, अच्छा। तो ये सब पता है, ये सब फ्रॉड एप्लीकेशन है, ठीक है। सीरी एप्लीकेशन पर अपने अप्लाई किया, सीरी एप्लीकेशन पर? अच्छा, ये सब पर अप्लाई किए, रूपी डीडी, ट्रू बैलेंस, किस्त, ये सब? अच्छा, ठीक है। तो आपका रजिस्टर नंबर यही है आपका? अच्छा ठीक है, तो अपना रजिस्टर नंबर भेज दीजिए, हम आपका चेक करा लेते हैं क्यों रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। भेजिए तो, ठीक है। तो हम इस नंबर पर आपका चेक करा देते हैं। तो फ्रॉड एप्लीकेशन का आप कोई दिक्कत होता है, अब आता है कोई दिक्कत नहीं ना? अब कोई कॉल मैसेज नहीं आता है ना उसका? कितना महीना हो गया उसका रिमूव हुए? 2 महीना। अब तो कोई दिक्कत नहीं होता है ना कभी भी? ठीक है, तो इसका हम ये निकाल देते हैं, ठीक है ना। हम इसका चेक करा देते हैं, ठीक है। चेक करा कर आपको बोलते हैं हम, ठीक। ओके भाई, ओके, हम चेक करा कर आपको बोलते हैं, ठीक है। ठीक, चलिए भाई, बात विचार हो गया, एक हम चेक करा देते हैं। वीडियो कंप्लीट देखिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, आधा अधूरा वीडियो मत देखिए, यदि आधा अधूरा वीडियो देखिए कुछ समझ में। हाँ भाई बोलिए, बताइए। हाँ भाई बोलिए, आवाज़ आ रही है आपकी। कंप्लीट देखिए वीडियो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ओके, ठीक। चलिए भाई, वीडियो को कंप्लीट आप लोग देखा कीजिए, चैनल को सब। IDFC बैंक से बोल रहे हैं पेमेंट के लिए, IDFC बैंक का भाई नहीं रिपेमेंट कीजिएगा तो भाई वो तो ये कर ही देगा ना। एक सेकेंड, कंप्लीट देखा कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आधा अधूरा वीडियो मत देखिए, यदि आधा ट्रबल फेस। चलिए कॉल लगाते हैं, कोई भी फ्रॉड एप्लीकेशन है फंसीएगा तो भाई कांटेक्ट हमसे कर सकते हैं। हेलो, हाँ भाई बोलिए, बताइए, आवाज़ आ रही है आपके। वही सर, मैंने पे रुपिक में जैसे लोन लिया है, उसमें मेरा सिविल स्कोर में शो नहीं कर रहा। सिविल में रिपोर्ट, कितना का आपका लोन है? लोन है मतलब दिया है 3900 और 5500 पेमेंट मांग रहा है। कितना मांग रहा है पेमेंट? पेमेंट है 2650 की किस्त है दो। कितना है? मतलब अभी ड्यू चल रहा है, अभी ड्यू चल ही रहा है ना? हाँ, एक की डेट कल है। मैंने आपका वीडियो देखा है यूट्यूब पे, काफी सारे देखे हैं। हाँ, उस पे दोनों बार ये डाउट हुआ कि पहले आपने कहा कि फेक है, एक 8 महीने पुराना वीडियो है, तो उस पे पेमेंट नहीं करना। देखिए होता क्या है ना कि किसी का सिविल पर शो होता है, किसी का सिविल पर नहीं शो होता है, समझ गए हैं? तो मैं यही बोलता हूँ कि जिनका सिविल पर नहीं शो होता है तो लोन नहीं भी देंगे ना, तो उनका सिविल डाउन नहीं होगा, है कि नहीं? तब मान लीजिए सिविल पर शो हो रहा है, नहीं आप लोन दीजिएगा तो आपका सिविल रिपोर्ट घटा देगा, और जब शो ही नहीं हो रहा है, सिविल पर दिखा ही नहीं रहा है, जो कुछ प्रूफ ही नहीं दे रहा है, तो भाई आप नहीं भी रिपेमेंट कीजिएगा तो सिविल आपका कुछ नहीं होगा सिविल का, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, समझ गए? इसीलिए तो जैसे वो कॉल करेंगे मुझे मेन नंबर पर, तो भाई कॉल आता ही है, समझ गए? मेन नंबर पर ये लोग का कॉल आता है, कॉन्टैक्ट लिस्ट पर भी कॉल करता है सब, समझ गए? कॉन्टैक्ट लिस्ट पर भी कॉल करता है सब, मतलब कॉन्टैक्ट सारे उसके पास पहुंच गए होंगे। हाँ, कॉन्टैक्ट लिस्ट तो उनके पास सारा पहुंच गया होगा। अच्छा,
वही है कि हम लोग डेटा रिमूव करवाते हैं, ठीक है। मतलब डेटा रिमूव हो जाएगा हाँ हो जाएगा डेटा वहां रिमूव। से? हाँ तो डेटा रिमूव पता है क्या होता है, कॉन्टेक्ट लिस्ट होता है और एड्रेस होता है, दो चीज़ होता है रिमूव, समझ गए हैं। अच्छा, तो एड्रेस तो जो मैंने दिया है वो मेरा परमानेंट एड्रेस है, वहां कोई रहता ही नहीं अच्छा उसकी तो। तो वो चीज़ एडिट हो जाएगा और उसके बाद आपका कॉन्टेक्ट लिस्ट हो जाएगा। अच्छा तो आप ये काम कीजिए, लोन अमाउंट के स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, ठीक है। लोन आईडी है आपके पास? लोन आईडी कहाँ पर होगी मतलब? एक प्रोफाइल वाला में जाइएगा, छोड़िए लोन आईडी नहीं है तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भेज दीजिए और लोन अमाउंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको हम बताते हैं। लेकिन चार्ज भी लगता है भाई, समझ गए हैं। भाई चार्ज तो मैं दे दूंगा, अभी तो मेरे पास 1 रुपए नहीं। हाँ, तो भेजिए, हम आपको बता देंगे कितना चार्ज लगेगा। यही इसका है अच्छा, तो कितना का बताएं लोन टोटल? लोन तो है सर, मतलब पेमेंट करना है 5200-5300 के हाँ आसपास। तो यही 600 करीब में लगेगा, ठीक है। अच्छा हाँ, तो कॉन्टेक्ट लिस्ट हो जाएगा और आपका एड्रेस हो जाएगा, दोनों चीज़, ठीक है ना। अच्छा तो बताइएगा, समझ गए, हम आपका काम करवा देंगे, ठीक है। कभी भी बताइएगा, कभी भी हम आपका काम करवा देंगे। ठीक है ना, ठीक है भाई, ठीक। चलिए भाई कंप्लीट देखिए। हाँ भाई बोलिए, बताइए। YouTube पे एडिट हुआ आपका, तो मैंने सोचा DM कर लूँ। तो क्या है ना कि मैंने एक ये ऐप किया था डाउनलोड बीच में, और जैसे आपने बोला था वैसे ही 7-7 दिन के बीच में ये लोग कॉल करने लग जाते हैं 7 दिन के इस पे, कि तुम्हारे जो कॉन्टेक्ट है उस पे तुम्हारी नंगी नंगी फोटोज भेज देंगे वगैरह ये सब। तो मैंने क्या किया था, मैंने सोचा ठीक है यार होगा इनका कुछ तो, वो चोरी मैं कर देता हूँ क्लियर। तो मैंने मैंने कर दिया था पे, मेरे 3 थे टोटल, मैंने तीनों पे कर दिए। जैसे मैंने तीसरा पे कर दिया ना, अपने आप और एक आ गया, ओ तो कब फंसे बिना इसके पूछे चक्कर में, मेरे। कितना दिन हुआ? अभी 1-2 हफ्ता हुआ है, अच्छा। और मतलब मैंने उनके वो कस्टमर सर्विस भी पूछा कि किसने बोला वो लोन वापस देने को, मेरे को नहीं चाहिए था ये लोग। और आपको भी पता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना ज्यादा लगाते हैं उस फ्रॉड पे, तो मेरे एप्लीकेशन को है तो ना, लगा फ्रॉड एप्लीकेशन है। वही। तो अभी मेरे को समझ नहीं आ रहे इनके 2-3 नंबर। और बीच में और क्या हुआ था कि एक मतलब ये जो हरासमेंट के लिए आते हैं ना मैसेजेस व्हाट्सएप पे, तो ऐसे एक आया था, उसने बोला था मैं लिंक भेजता हूँ उस पर कर दो, कर दिया तो हुआ नहीं। अगले दिन वापस कोई दूसरा बंदा आ गया, उसको समझाया कि भाई मैंने किया है पहले ये स्क्रीनशॉट, बोल रहा था मेरे को कि नया वापस करो आपको रिफंड मिलेगा, तो वो भी किया मैंने, फिर भी नहीं हुआ। तो उसके बाद मैंने कुछ तो मतलब उनके वो जो कस्टमर सर्विस उनका जो है उधर मैसेजेस डाले, उनको स्क्रीनशॉट भेजे, तो उन्होंने बोल दिया कि सेटल्ड है। मैंने देखा तो सेटल्ड मतलब क्लियर तो हो गया था, लेकिन उसके बाद और एक आ गया, वो तो मैंने मांगा भी नहीं था, मेरे को तो बंद करवाना था। तो अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा है इनका, मैं क्या करूं। वही है भाई कि हम लोग डेटा रिमूव करवाते हैं, समझ गए हैं। मेरा वीडियो आपने देखा होगा, तो हम लोग डेटा रिमूव का काम कराते हैं। डेटा रिमूव होने के बाद कोई कॉल में से नहीं आता है, कॉन्टेक्ट लिस्ट तो वही रिमूव हो करवाना था जाती है। हो जाएगा आपका काम, ठीक है। तो डेटा रिमूव में आपको भाई। डिटेल देना होगा, हमको पैन कार्ड हो गया, रजिस्टर मोबाइल नंबर हो गया, ठीक है ना। चार्जेज आपको पता होगा, मेरा पूरा कंप्लीट वीडियो देखे होंगे तो 2450 रुपये लगता है चार्जेस चार्ज, 2450 रुपए लगता है। चौबीस सौ पचास रुपये लगता है भाई। ये जो अभी वापस मतलब अभी जो मैंने बोला ना आपको और एक लोन डाला है इन लोगों ने, नहीं, बिना मेरे वापस देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है भाई। कितना रिपेमेंट कीजिए, रिपेमेंट कीजिएगा फिर आपके अकाउंट में पैसा आएगा, ये सिलसिला चलता रहेगा, समझ गए, ये सिलसिला चलता रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होने वाला ये। ये तो वापस नहीं सिलसिला करना है ना? वापस 1 रुपये आपको देना नहीं है, उस टाइम में भी नहीं देना था, अच्छा अभी भी नहीं देना है आपको। इनका रिपेमेंंट करना ही नहीं होता है, सिंपल तौर पर। एप्लीकेशन को अच्छा अनइंस्टॉल कर दीजिएगा डेटा रिमूव कराने से पहले। ठीक है।
बताइए क्या प्रोसेस है। तो हम आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भेज दिए हैं, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज दीजिए, डिटेल भेज दीजिए, पैन कार्ड हो गया, ठीक है। और आपके साथ तो सेफ है ना, क्योंकि पैन कार्ड भी। हाँ मेरे पास देखिए, मेरे पास सब चीज़ सेफ रहता है, समझ गया ना, उसका कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग का क्या है ना कि काम करा कर उसके बाद मोबाइल से डेटा कंप्यूटर से सारा चीज़ हम लोग डिलीट कर देते हैं। मान लीजिए मेरे पर भेजिएगा, मेरे फ़ोन पर भेजिएगा, व्हाट्सएप पर भेजिएगा, तो जैसे आपका कंप्लीट काम हो जाएगा तो खुद से अपने मोबाइल से हम डिलीट कर देते हैं किसी का भी आधार कार्ड, ठीक है। मेरे पास कोई अच्छा, ऐसा मिसयूज आधार कार्ड पैन नहीं कार्ड का, मतलब अभी आप भी समझ रहे होंगे ना कि मेरे साथ बिल्कुल। हो गया, तो मेरे को भी डर है, खौफ है थोड़ा अब ये सब भेजने का भी। सही बात है। नहीं तो मेरे साथ मतलब कि सब चीज़ आपका मतलब कि सब सेफ है, समझ गए ना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मेरे को आपने भेज दिया तो मैं आपको डिटेल्स भेजता हूँ। और पेमेंट का कब, अभी करना होता है या फिर पेमेंट क्रेडिट कार्ड के बाद? पहले, पेमेंट पहले करना होता है, देना होता है हमको, ठीक है। अच्छा, स्क्रीनशॉट दिखाना होता है कि आपके तरफ से पेमेंट आ गया, यूटीआर नंबर शेयर कर दीजिएगा मेरे पास, लिंक सारा चीज़ आपको यूपीआईडी सारा चीज़ मेंशन हो जाएगा। जैसे ही आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेजिएगा ना, तो 100 रुपया लिख कर मतलब कि नीचे में सब चीज़ यूपीआईडी मेंशन हो जाएगा, तो किसी यूपीआईडी पर आप पेमेंट कर सकते हैं। 100 रुपया सिर्फ बात विचार कर लेते हैं, डाटा रिम्यू का 100 रुपया चार्ज नहीं लगता है, 2450 रुपया आप उसी पर पेमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। लिंक है, सारा यूपीआईडी मेंशन है, अच्छा डिस्क्रिप्शन में भी सारा चीज़ यूपीआईडी मेंशन है, किसी पर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं क्या सोच रहा था मैं रुका था कि अभी ये अभी मेरे को ड्यू डेट दिया है 20 तारीख का, 6700 का। मैं सोच रहा था ये ड्यू डेट पे कर देता हूँ और डेटा डिलीट का मैं ऐप पे डाल देता हूँ, लेकिन मेरे को नहीं लगता कुछ होगा उससे। ना ना, कुछ ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपने भेज दिया तो मैं आपको डिटेल्स भेजता हूँ फिर ठीक है, पेमेंट डिटेल करने भेज के दीजिए व्हाट्सएप पर, बाद। डिटेल भेज दीजिए। जैसे ही आप पर सब चीज़ यूपीआईडी मेंशन होगा, उसी पर पेमेंट, किसी यूपीआईडी पेमेंट कर कर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा किसी पर, ठीक है। ठीक है, और आपका अभी का व्हाट्सएप नंबर है ना, क्योंकि हाँ अभी मेरा मतलब ही मेरे फ़ोन व्हाट्सएप से नंबर वैसे है, है। अभी मैसेज कीजिए, अभी आप कॉल कीजिए मेरे व्हाट्सएप पर, अभी आपसे बात होगा। नहीं, मैं क्या बोल रहा था, आगे जाकर अगर मेरे को उनका कुछ आया तो आपको बोल सकता हूँ ना मैं व्हाट्सएप हाँ पर। कभी बोल सकते हैं, रात हो दिन हो, कभी भी, कभी भी मैसेज कर सकते हैं आप, कभी भी कॉल कीजिएगा, डबल टिक लगेगा। ठीक ठीक, है ठीक है, ओके, अब डिटेल भेज दिए तो मैं भर के आपको भेजता हूँ। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक। हाँ, थैंक यू। चलिए दोस्तों, बात विचार हो गया, वीडियो को कंप्लीट देखिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आधा अधूरा वीडियो मत देखिएगा, यदि आधा अधूरा वीडियो देखिएगा कुछ समझ में नहीं आएगा, पूरा कंप्लीट देखिए चैनल को आप। हाँ भाई बोलिए, बताइए, आवाज़ आ रही है आपकी? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ भाई आपकी आवाज़ आ रही है, बताइए। आज जो है ना, मतलब फ्लिपकार्ट की तरफ से एक लड़का आया हुआ था घर पे, मतलब एक लिस्ट लेकर के आया था, उसमें और सबका भी नाम था, तो उसमें सिर्फ लोन आईडी लिखा हुआ था और वो जो हमारा प्रोडक्ट था ना उसका नाम लिखा हुआ था, तो वो शायद IDFC बैंक की तरफ से था। हाँ तो IDFC बैंक ही मतलब कि पे लेटर का लोन प्रोवाइड करती है, समझ गए। तो उसके बाद तो क्या हुआ? उसको वो आया घर पे, तो उसने दिखाया ऐसा ऐसा बात है तो आपको लोन भरना होगा, तो मैं उनको बोला कि ठीक है मैं भरूंगा, लेकिन अभी तो 3-4 महीने से गिरा हुआ है तो अमाउंट ज़्यादा हो गया है, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके ही भरूंगा, तो वही बोल के गया है मतलब उसको भरने के लिए। तो क्या वो लोन आईडी पे भरने के लिए बोल रहा है, तो लोन आईडी हम फोन पे मतलब फोन पे और पेटीएम पे अगर डाल रहे हैं ना ना तो ना, उसके मैं पेटीएम अकाउंट। पर काहे डालिएगा झूठ मूठ का, आप अप्लीकेशन से पेमेंट कीजिए, अप्लीकेशन से पेमेंट मेरे नहीं हो पे रहा एप्लीकेशन है। जो जिस नंबर से मेरा एप्लीकेशन था ना उसका फ्लिपकार्ट का, वो नंबर मेरे पास अब नहीं है, मतलब जिसके नाम से सिम था वो भी अब मतलब डेथ कर गया है ना, और वो नंबर भी बंद हो गया है, तो इसी वजह से वो फ्लिपकार्ट का ये बंद हो गया है अकाउंट, इस वजह से ऐप से पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। और वो जो लोन आईडी दिए हैं वो लोन आईडी में ओवर ड्यू दिखाता है, 1 जनवरी 1919 दिखाता है ओवर ड्यू, बस वही से उनसे पूछना पूछे थे, तो वही पूछ रहे थे कि उसका तो देखिए, क्या होगा। मान लीजिए वो लिंक भेजता है, तो यदि फ्लिपकार्ट का सारा चीज़ ऑथोराइज्ड वो सब लिखा हुआ आता है, तो पेमेंट आप कर सकते हैं। सिविल पर ऑप्शन नहीं दे रहा है पेमेंट करने के लिए, कितना लोगों का सिविल पर भी ऑप्शन देता है रिपेमेंट करने का, पे नाउ का ऑप्शन,
तो वहां पर जाकर देखिए ना अपने सिविल पर ऑप्शन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है। नहीं वहां पे नहीं दे रहा, मैंने बहुत जगह से चेक किया है, वहां से नहीं दे रहा था, और बहुत ट्राई भी किया खोलने का वो अकाउंट, तो वो भी नहीं खुल पा रहा क्योंकि वो नंबर ही नहीं है। तो अच्छा, मतलब कि ये होता है, ठीक है। यदि होता है तो आप ये कीजिए, ठीक है ना, यदि लिंक भेज रहा है, लिंक भेज रहा है तो मेरे पास आप लिंक एक बार भेजिए, ठीक है, हम चेक कर लेंगे कि कैसा लिंक है, ठीक है। लिंक नहीं भेज रहा है, वो लोन आईडी दिया है मेरा। ठीक है, तो लोन आईडी अपना भेजिए। लोन आईडी के द्वारा कैसे पेमेंट होगा ये बताइए। वो लोन आईडी दिया है, बोला फ्लिपकार्ट पे जाना है, लोन रिपेमेंट का वो जो जमा करते हैं यहाँ से, वहां पे जा करके आईडीएफसी सर्च करना है, वहीं पे लोन आईडी भरना है तो आ जाएगा। तो ठीक है, लोन आईडी मेरे पास भेजिएगा, हम चेक करके आपको बता देंगे, ठीक है। चल मैं लोन आईडी आपको भेजता हूँ। ठीक है, भेज दीजिए, हम आपको चेक करके आपको बता देंगे क्या लोन आईडी रियल है क्या फेक है सारा चीज़, ठीक है। ठीक है, तो मैं आपको अभी भेजता हूँ लोन आईडी। ठीक ठीक है, भेजिए भेजिए, ठीक। चलिए भाई, वीडियो कंप्लीट देखिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, आधा अधूरा वीडियो मत देखिएगा। हेलो। हाँ भाई बोलिए, बताइए। अरे नहीं, मैं वही बोल रहा था, कल तू वहां पे 100 निकाल, लेकिन 100 नहीं करने ना, कितना करना था? 2450 रुपया। और हटा दूंगा पहले। ठीक हाँ, एप्लीकेशन को आप हटा दीजिए रिमूव कराने से पहले, है ठीक है, वो हटा दो, डिटेल भी। डिटेल भेज दीजिए। हाँ चलिए दोस्तों, बात विचार हो गया, वीडियो को कंप्लीट देखिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, आधा अधूरा वीडियो मत देखिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई। हाँ बोलिए, बताइए, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ आ रही है भैया। हाँ, हम ये बोल रहे हैं कि आपका काम मतलब कि स्टार्ट हो चुका है, जैसे हो जाता है तो मैं आपको अपडेट दे देता हूँ, ठीक है। ठीक है, बाकी ओके, थैंक यू, बाय। बाकी इसका कोई रिपेमेंट नहीं करना है, पहले भी रिपेमेंट इसका हुआ है कि नहीं हुआ है? हो गया एक बार, गलती से हो गया, क्योंकि उस दिन वो लोग बहुत दम कर रहे थे, हाँ, और मेरे हस्बैंड को भी फोन करके बोले, तो मेरे को बहुत परेशानी हो गया, तो मैं तब करी, करने के एक 15-20 मिनट के बाद फिर से मेरे को 3 फिर पैसे आए, तो फिर 2 दिन बैठ के पूरा स्टडी कर रही थी, क्या ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपका मिला मेरे को, तो कल से कोशिश कर रही आपका नंबर कहाँ से मिलेगा, तो आज मेरे को अभी मिला यूट्यूब में, तो इमीडिएटली आपको मैं कांटेक्ट कर। हाँ, तो ये फ्रॉड एप्लीकेशन है, कोई भी फ्रॉड एप्लीकेशन का हाँ रिपेमेंट हाँ नहीं करना चाहिए। रिपेमेंट करने के बाद भी वही अकाउंट में वही पैसा डालकर ये लोग ब्लैकमेल हाँ करना स्टार्ट कर देता है। वही हो रहा है अभी, तो कल फिर से ड्यू डेट है उसका, तो इसीलिए मैं फटाफट ढूंढ रही हूँ कैसा इसके हल, मेरे को 2 दिन 17th को है फिर, तो मेरे को बाहर निकलना है सर, मेरे को अभी इसीलिए मैं आपको इमीडिएटली पूछी कितना टाइम लगेगा, क्या है, पूरा डिलीट कर दो मेरा भाई। तो जैसे ही हो जाता है हम आपको अप टू डेट दे देते हैं, आपका काम मतलब कि चल रहा है, ठीक है। ओके ओके बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है भाई, पर ठीक है, ठीक। आज तो हो जाएगा ना? हाँ आपका आज हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आज हो जाएगा आपका, ठीक है ठीक, ठीक थैंक यू भाई। ठीक है, ठीक है। चलिए दोस्तों, वीडियो को कंप्लीट देखिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, आधा अधूरा। चलिए कॉल लगाते हैं भाई, पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आधा अधूरा वीडियो मत देखिए। यदि आधा अधूरा वीडियो देखिएगा कुछ समझ में नहीं आएगा भाई, पूरा कंप्लीट देखिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ भाई बोलिए, बताइए। नहीं सर, वही वही आपको मैसेज किया था ना। हाँ तो भाई आपका काम मतलब कि चल रहा है, रुपी जो है एप्लीकेशन से ना, तो आपका काम चल रहा है, तो इसका कब आप फंसे थे इसके चक्कर में, फ्रॉड के चक्कर में, आज ही कल? नहीं 2 दिन हुआ। अच्छा 2 दिन हुआ, तो इसका रिपेमेंट नहीं ना किए आप? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, रिपेमेंट नहीं करना होता है, रिपेमेंट कीजिएगा ना तब पर भी आपको कॉल मैसेज करेगा सब, समझ गए? रिपेमेंट करने के बाद तो और भी ये लोग ब्लैकमेल करता है, समझ गए? कोई नहीं, भी मैंने देखा था उसमें, उसमें क्या था, ये मिला था, वो फ्रॉड देखने को लगा, फिर मैंने वो
बिल्कुल, ये फ्रॉड एप्लीकेशन है। और रिपेमेंट रिपेमेंट करना देखिए कोई सलूशन नहीं रहता कोई भी फ्रॉड एप्लीकेशन का, ठीक है। रिपेमेंट कीजिएगा तो आपको ब्लैकमेल एनहांसमेंट करेगा ये, ठीक है। तो जैसे ही हो जाता है तो हम आपको अप टू डेट दे देते हैं, ठीक है, कि आपका होगा कि नहीं हुआ, ठीक है ना। ठीक है, ठीक, ओके, ठीक। चलिए दोस्तों, बात विचार हो गया, इनको बोल दिए क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट देखिए। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई, ठीक है ना। यदि चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को ज़रूरी सब्सक्राइब कर दीजिए, आधा अधूरा वीडियो मत देखिए। चलिए भाई, यहाँ पर कॉल लगाते हैं, कंप्लीट देखा कीजिए वीडियो, ठीक है। वीडियो कंप्लीट देखिए। चलिए भाई, यहाँ पर कॉल लगाते हैं, देखते हैं कॉल उठाते हैं नहीं उठाते हैं। कोई भी फ्रॉड एप्लीकेशन है फंसे हुए हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपका डेटा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ भाई बोलिए, आपका हो गया है काम, ठीक है। हाँ, आपका काम हो गया है फ्रॉड एप्लीकेशन से आपका। हाँ, फ्लेक्सिबल कैश जो है ना इसका हो गया है, बाकी आपको कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, कभी भी। मेरा कॉन्टैक्ट लिस्ट का भी कुछ नहीं होगा ना? ना ना, कॉन्टैक्ट लिस्ट का कुछ भी नहीं होगा, आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट का काम हो गया है, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। कंफर्मेशन कुछ है? हाँ, कंफर्मेशन आप पर हम भेज देते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, ठीक थैंक यू वेरी मच। चलिए भाई, कॉल लगाते हैं, कंप्लीट देखिए वीडियो। हाँ भाई बोलिए, बताइए। देखो भैया, ऐसा हुआ था कि मैंने फ्लेक्सिबल कैश है ना जी, तो मैंने उसको इंस्टॉल करा था उस टाइम पे, और उस पे अप्लाई करा था मैंने लोन के लिए, तो मेरे को लोन तो उस पे मिल नहीं रहा था और 1,000 रुपये का मिल रहा था, तो उस पे अपने आप अप्लाई हो गया और उस मैंने ऐप इंस्टॉल कर दिया, मेरे को मतलब पैसे आ ही नहीं रहे थे अकाउंट में उस टाइम पे। फिर अभी क्या हुआ, मेरे को आज एकदम से फोन आ रहा है 1 से 7 दिन बाद कि आपका रीपेमेंट ड्यू है। मैंने बोला भाई कौन सा रीपेमेंट, मेरे को तो कोई पैसे ही नहीं आए। तो उन्होंने बोला आप अपना बैंक अकाउंट चेक करिए, उसमें 617 रुपये आए हैं आपको 8 तारीख को, और वो तो आए हैं लेकिन मेरे को उसका कोई मैसेज भी नहीं आया ना कुछ हुआ, और उसके बाद आज वो रीपेमेंट मांग रहे हैं। और उसके बाद मेरे को व्हाट्सएप पे उस बंदे ने कॉल पे मैसेज करा, तो पाकिस्तान का नंबर था व्हाट्सएप पे। अब ये पाकिस्तान का नंबर देख के मेरे को वैसा लगा, बोलता लिंक भेज रहा हूँ मैं, लिंक भेज रहा हूँ आप उसमें पैसे भेज दो ये वो, तो मैंने तुरंत उनका कॉल काटा और ब्लॉक कर दिया। तो अभी क्या करना चाहिए आप ये बताइए ना। तो कब हुआ आपके साथ, कल हुआ क्या, आज? आज ही हुआ, आज ही आज हुआ। ही हुआ। तो देखिए, आपको बता देना चाहता हूँ, ये फ्रॉड एप्लीकेशन है, ठीक है। हाँ फ्रॉड है। हाँ, तो इस फ्रॉड एप्लीकेशन का हम लोग डेटा रिमूव कराते हैं, ठीक है ना। तो हाँ वही चीज़ है, डेटा रिमूव हो जाएगा तो उसके बाद कोई कॉल मैसेज नहीं आएगी, क्योंकि रिपेमेंट भी आप कर दीजिएगा तब पर भी आपको ब्लैकमेल हरासमेंट किया जाएगा, आप पर कॉल आएगी अच्छा 100%। बहुत सारे लोग रिपेमेंट करते हैं, उनके अकाउंट में पैसा डालता है दोबारा, या नहीं डालता है तब पर ही बोलता है कि आपका पैसा आया ही नहीं है, पैसा दोबारा भेजिए। तो पैसा जैसे ही देने के बाद आप पैसा देते रहेगा, वो आपसे मांगता रहेगा और आपको हरासमेंट वो लोग करता रहेगा। तो इसीलिए मैं कोई भी अच्छा वीडियो में ही बोलता हूँ कि रिपेमेंट करने का किसी को भी ज़रूरत नहीं है, रिपेमेंट करने के बाद भी ये लोग आपको धमकी ये सब सारा चीज़ देंगे। तो वही चीज़ है कि हम लोग डेटा। हाँ बोलिए भाई। ये घर वाले पर तो नहीं आते ना? ना ना, घर पर कहाँ से आएगा, फ्रॉड एप्लीकेशन है। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो फिर अभी क्या करना चाहिए मेरे को? तो डेटा रिमूव कराने के लिए आप मेरे पास डिटेल भेज दीजिए, पैन कार्ड और आधार कार्ड, रजिस्टर, मोबाइल नंबर। डेटा रिमूव का चार्ज है 2,450 रुपया भाई। ठीक है भाई, ठीक हो। चलिए दोस्तों, बात विचार हो गया, वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट देखिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आधा अधूरा वीडियो मत देखिएगा, यदि आधा अधूरा वीडियो देखिएगा कुछ समझ में नहीं आएगा, कंप्लीट देखिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। हाँ बोलिए, बताइए। हाँ हाँ बोलिए। सिर्फ वो इंस्टाग्राम पे मैंने कुछ
देखा था, मेरे को एक इंटेंशन नहीं था लेने का, बट वो क्लिक करते करते शायद आ गया। तो जब अगले दिन पैसे आए, 2200 रुपए आए थे, तो मुझे, मैंने फिर चेक किया कहाँ से आए, देन आई रियलाइज कि मतलब वहां से आए हैं, क्योंकि वो उसका लोन का ऐप खोल के देखा, क्योंकि वही चेक कर रही थी मैं, तो वो अपने आप ही आ गए। नाउ दे वर लाइक, मेरे को लगा शायद 7 दिन का सेटलमेंट दे दूंगी वापस, जब मैं वापस करने की सोच रही थी तो उसमें लिखा आ रहा था छोटा सा कि इट कैन अपडेट टू 5000 ये वो, और वैसे भी वो किसी नाम से आईडी आ रही थी फ्रीचार्ज पे, मेरे को लगा कि कुछ तो है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बिकॉज इंस्टीट्यूशन के नाम से जाना चाहिए ना। तो फिर मैंने नहीं किया पे, तो आज सुबह से ही वो एक बार पाकिस्तान के नंबर से, फिर बुल्गारिया, और मैंने ऐसे चल रहे नंबर, एंड ही मैसेज मी आल्सो कि मैंने देखा नहीं, बट कोई फोटोज थी ऑफ कोर्स, माफ करी होंगी, कुछ करा होगा कि हम ये कर देंगे वो करेंगे, आई डिडंट रीड, मैंने सब ब्लॉक करती गई कॉन्टैक्ट्स, और ट्रू कॉलर में भी सारे फॉरन नंबर ब्लॉक पे लगाए हैं, तो मुझे कॉल तो ऐसे नहीं कर पा रहे हैं वो कॉन्टैक्ट, व्हाट्सएप पे कर रहे हैं तो मैं इमीजिएटली उसको स्पैम कर दे रही हूँ। तो अब उसमें क्या करना चाहिए, मतलब मैंने फिर मैंने सर्च करा यूट्यूब में, देन आई गॉट योर नंबर, मतलब आपको देखा तो सोचा आपसे पूछा जाए। तो देखिए, आप देखिए, आपको बता देना चाहता हूँ, फ्रॉड एप्लीकेशन है, ठीक है? हाँ जी, हाँ। तो रिपेमेंट, रिपेमेंट आपने नहीं किया ना इसका? नहीं 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 किया सर। तो रिपेमेंट करने के बाद भी ये लोग ब्लैकमेल एंड हरासमेंट करते हैं, ठीक है ना? हाँ, क्योंकि वो अजीब टाइप की ऐप है, उसमें लिखा रहा है इतना अमाउंट, वो शायद अपडेट कर देते होंगे कि फिर से इतना आ गया है ना, क्योंकि वो बोरो अमाउंट जो है वो बार बार बढ़ता जा रहा है, 30,000 दिखा रहे हैं, फिर वो कहेंगे कितने डाल दिए इतने वापस करो, तो मैंने नहीं करा रिपेमेंट, मैंने सोचा आपसे पूछ लेते हैं। तो वही है कि हम लोग डेटा रिमूव कराते हैं, वो चीज डेटा रिमूव हो जाएगा तो उसके बाद कोई कॉल मैसेज नहीं आएगा, ठीक है? अच्छा, तो सर आप लोग कैसे करवाते हैं डेटा रिमूव, मतलब हम लोग उनके सर्वर से, हम लोग उनके सर्वर से डेटा रिमूव करवाते हैं। अच्छा, ओके। तो कितना टाइम लगता है उसमें? उसमें आपको 1.5 घंटा कम से कम टाइम देना होगा, अभी करवाती है तो, नहीं तो 1 घंटा का टाइम रहता है रिमूव करने में। तो ये सर श्योर शॉट होता है? हाँ, ये 100% हो जाता है ये। हाँ, मेरे को एक्चुअली आइडिया नहीं, आपको भी मैं मतलब यूट्यूब में देख के ही फोन कर रही हूँ, और इतना स्कैम करा कि आज सुबह से इतना मतलब इंसान डर जाता है ना, तो सही बात, आपको कॉल किया ना, आपका हो जाएगा, उसमें डेटा रिमूव हो जाता है, उसके बाद कोई कॉल मैसेज नहीं आता है। सर आपने पहले भी करे हैं ऐसे, मतलब हमने किए हैं? अच्छा, तो उसके लिए क्या है प्रोसेस, क्या करना होगा? उसके लिए आपको मेरे पास डिटेल भेजना होगा, पैन कार्ड एंड आधार कार्ड, रजिस्टर, मोबाइल नंबर। ओके। चार्जेस 2450 रुपये लगते हैं रिमूव करने के। 2450? अच्छा, तो सर इसकी मतलब कुछ वो है, श्योरिटी है कि रिमूव होने के बाद, रिमूव होने के बाद आपको प्रूफ मिल जाएगा? अच्छा, और सर ये ऐसे मतलब ये लोग जब ये इतने फ्रॉड चल रहे हैं, तो ये तो मतलब गूगल स्टोर से ही डाउनलोड हुआ है, ये लोग इसको बैन क्यों नहीं करते हैं? मतलब बैन हो जाएगा, ज्यादा दिन नहीं बैन हो जाएगा, ये तो प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन अभी अवेलेबल है। हाँ, वो प्ले स्टोर से ही करा, क्योंकि सर हम लोग तो जैसे थोड़ा बहुत जानते हैं, तो मैं तो समझ गई थी, वो जब रिपेमेंट में करने जा रही थी पहले ही, मुझे लगा कि फर्जी का मतलब डबल अमाउंट वैसे भी कौन लेता है 4-7 दिन में, तो वो तो मैंने देख लिया, पढ़ लिया कि इसमें कुछ गड़बड़ है, वो फ्री चार्ज में एक बंदे का नाम लिखा आ रहा था, वही मुझे डाउट हुआ ये ऐसी आईडी क्यों है, तो अदरवाइज तो लोग ऐसे मतलब फंसते चले जाते होंगे, पेमेंट करते चले जाते हैं नहीं, वो लोग क्या है कि मोबाइल का डेटा ले लेता है ना, कॉन्टेक्ट लिस्ट हो गया, मैसेज हो गया, नॉर्मल मैसेज, उसके बाद आपका कॉल लॉग, इसी के आधार पर वो लोग सेल्फी, आधार कार्ड, पैन कार्ड उनके पास रहता है, इसी के आधार पर वो लोग ब्लैकमेल करता है लोगों को नहीं रिपेमेंट करने पर। इनके पास हमारी जो फोटो गैलरीज और ये सब होती है, इनका भी एक्सेस चला जाता है? चांसेस तो नहीं रहता है, लेकिन मैक्सिमम मतलब कि चला जाता है एंड्रॉइड में, खास कर कर एंड्रॉइड में। अच्छा, ओके। तो सर नंबर चेंज करने की जरूरत नहीं? ना ना, नंबर चेंज करने की जरूरत नहीं है ना, वो तो वैसे भी कांटेक्ट उनके पास चली गई, तो मेरा मैं अपना बंद कर सकती हूं, पर बाकी तो चलते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सही बात बोला आपने। ठीक है सर, मैं फिर मतलब कैसे कहाँ पेमेंट करना होगा?
यूपी आई डी सारा चीज़ मेंशन है, आप चेक कर लीजिए। जो अच्छा, चार्जेज, उसी पे जो आप जो आया। चार्जेज 100 रुपया लिखा है ना, तो बात विचार करने का मतलब कि चार्जेज रहता है, डेटा रिमूव का चार्जेज नहीं लगता है 100 रुपया। तो सारा यूपी आई डी अच्छा मेंशन है, अच्छा टीजे ग्रुप, टेक्निकल, जी पर, एयरटेल, सब यूपी आई डी है, उस किसी पर पेमेंट आप कर सकती हैं। अच्छा अच्छा ओके ओके। तो जब मैं पेमेंट करूंगी तो आपको स्क्रीनशॉट भेजूं, तो बिल्कुल, आप हाँ फिर स्क्रीनशॉट, इमीडिएटली हाँ करवा स्क्रीनशॉट दो भेज दीजिएगा, और डिटेल अपना भेज दीजिएगा जो जो हम आपसे मांगे, इसी नंबर इसी पर। नंबर हाँ पे। इसी नंबर पर। अच्छा, आप अपना आधार पैन कार्ड एंड अपना यही अरे नंबर है सर मेरा, इसी से। ठीक है, हाँ, सारा चीज़ मैसेज कर दीजिएगा आप। तो सर मतलब बिल्कुल वो होता है, श्योर होता है, मतलब मुझे पता चल जाएगा कि मेरा डाटा रिमूव हो गया है। हाँ रिमूव होने के बाद आपको प्रूफ मिल जाएगा, जो रिमूव होगा ना आपको प्रूफ मिल जाएगा रिमूव होने के बाद। अच्छा, ठीक है सर, मैं अभी कर देती हूँ, तो आप देख लीजिएगा। थैंक ठीक है, भेज दीजिए डिटेल अपना। यू सर, आप इतना मतलब मेरे को नहीं पता था, आज मैंने आज ही आपके बारे में देखा यूट्यूब में, जब मैं परेशान होकर सर्च करने लगी ना, तो फिर आप थोड़े जेन्युइन लगे, आपका टाइम्स ऑफ इंडिया में वो देखा, तो मैंने आपको कॉल किया। अदरवाइज यूट्यूब में भी सब फ्रॉड कितना बिल्कुल चलता है, वो बिल्कुल भी बिल्कुल, होता ही है हाँ ना। यूट्यूब में बहुत सारा फ्रॉड चलता है मेरे नाम से, हाँ मेरे काम आपके काम नाम के से। द्वारा। हाँ देखिए मेरे नाम से नहीं, मेरे नाम से क्या करेगा सब, हम कोई बड़े आदमी थोड़े ना, मेरे हाँ काम के द्वारा जो हम काम कराते हैं ना डेटा रिमूव, तो सब देख लिया है, उसी के आधार पर झूठ मूठ का बोलेगा कि हम भी डेटा रिमूव कराते हैं, हम भी कराते हाँ हैं, वही वही, तो तो इसीलिए मैंने उधर आपके लोग फंस वीडियो भी जाते हैं। करके। हाँ बहुत सारे लोग फंसे हाँ हैं, हाँ बोलते वही हैं कि बहुत सारे, अभी हाँ एक और हाँ यूट्यूबर था वो भी पैसा मांग रहा था डेटा, उसको दिए, वो भी ब्लॉक कर दिया हमको। तो अच्छा मेरा अच्छा मेरा ओके काम को देखकर, वीडियो में जो बोलते हैं वो सारा चीज़ देखकर, करते हैं वो सर। लोग हाँ स्कैम करना स्टार्ट कर दिया है सब इसके नाम पर। हाँ वो इसीलिए मैंने आपके वीडियो देखा, उसी में जो आपने लिंक दिया था उसी से फोन नंबर लेके करा कि वो। और सारा चीज़ यूपीआईडी आपको डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन होगा, जो भी सारा चीज़ है। हाँ जी, ठीक है सर, बिल्कुल मैं करती हूँ, तो आप ठीक करवा है। दीजिएगा, फिर आप बता दीजिएगा जो भी है। मुझे तो कुछ नहीं करना ना इसके अलावा और। ना ना आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है ठीक, ठीक है ठीक है, ओके सर। चलिए दोस्तों बात विचार हो गया, वीडियो को कंप्लीट देखिए। चलिए भाई कॉल लगाते हैं, आधा अधूरा वीडियो मत देखिए। हाँ भाई बोलिए, बताइए। क्या चाल? बहुत बढ़िया भाई, बताइए। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था, जो मैंने आपको भेजा ना ये स्क्रीनशॉट, तो यही है मेरे पास ना, जो भी एप्लीकेशन है, तो इसका जो ये 10 या 12 एप्लीकेशन होगी, तो इसका कितना हो जाएगा, कितने में हो जाएगा ये डाटा जो भी है? अच्छा मतलब कि आपने इसे बना कर रखा है डॉक्यूमेंट सारा चीज़? नहीं अच्छा हाँ, या फिर याद रहता है ना, ऐसे याद नहीं रहता कौन कौन सी ऐप है। अच्छा अच्छा सारा 2023 में लिया हुआ है, नवंबर दिसंबर में। हाँ जी हाँ जी, हाँ ठीक है, तो हम सबका आप कराना चाहते हैं। सही बात, सबका कराएंगे सर, फिर एक का करवा लिए किसी का रह गया, वो आ जाएगा घर पे, फिर सही बात है, तो ठीक है आपका जो ये चाहे डी जो भी है, जो भी 5-6 हज़ार में होता है तो कर लेते हैं, फिर बाद में जैसे होगी पेमेंट तो बन वन करके हम कर देंगे। पेमेंट बिल्कुल। तो करके ही खत्म होगी, ऐसे तो सिबिल में खत्म नहीं होगा। नहीं सिविल में कहाँ से ख़त्म होगा भाई, पेमेंट कीजिएगा तब ना सिविल से ख़त्म होगा, सिविल का हाँ काम वही हम बात लोग का है। नहीं है सिविल से हटाने का। नहीं, वो तो बात सही है, वो तो जेनुअन बात है ना, तो वो तो वो वो कैसे आप नहीं कर हटेगा, सकते ना। तो वो कैसे हटेगा, वो तो नहीं हटेगा। जी, अगर जैसे सिविल में एड्रेस भी शो होता है क्या? ना सिविल में एड्रेस कहाँ से होता है, लोन अमाउंट से होता सिविल है, में नहीं होता, बस वो लोन उनकी वेबसाइट कंपनी। में होता है ना। हाँ बिल्कुल। ओके ओके, तो आप एड्रेस प्लस कांटेक्ट लिस्ट रिमूव हाँ कर दो दो ना चीज़ सर। होता है, हाँ एनबीएफसी का दो चीज़ होता है, कॉन्टेक्ट लिस्ट और एड्रेस, दो चीज़ बस। ओके, तो वो जो मेरा नंबर है वो तो उनके पास ही रहेगा हाँ ना। आपका नंबर उन्हीं के पास ही रहेगा, रेफरेंस पे भी रहेगा। ओके, तो इसीलिए भाई फिर वो पहले ही बोल नंबर देता हूँ। नंबर पर कॉल करेंगे वो, है ना। हाँ आपके नंबर पर तो कॉल करेगा ही भाई, अच्छा, इसके अलावा कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल नहीं करेगा, जो वो लोग करता है कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल, सोचता है कि वैसे तो भाई, एक साल हो गया है, वैसे क्योंकि तो एक साल हो गया है, ज्यादा तंग करने वाला तो वो 1-2 महीने ही करते हैं ज्यादा तंग, मेन नंबर पर पर अब कॉल भी तो कम आना हो गया होगा आपके, मेन नंबर पर कॉल कम आता होगा ना। हाँ कम आता है फोन। हाँ तो क्या दिक्कत है, बाकी एड्रेस हो जाएगा काम, तो कोई टेंशन नहीं रहेगा, है कि नहीं? मेन तो यही है कि एड्रेस का हो जाए, बाकी
बाकी कांटेक्ट को करता है, करता रहे, मैंने बता दिया सभी को कि ऐसे ऐसे मेरा फोन हैक हो गया था ऐसे करके, बता रखा है, इतना तो लोग जानते ही हैं, आजकल दुनिया भर के फ्रॉड हो रहे हैं। अब बिल्कुल कोई पूछेगा कि मेरा नंबर क्यों दिया, बोल देते हैं भाई 2000 नंबर है मेरे फोन में, कुछ 13 नंबर दूंगा क्या। सही बात बोला आपने। तो मुझे बता देना ये जो भी है कितना बनेगा टोटल, तो करवा लेते हैं 2-4 दिन में। ठीक है, उसके लिए क्या लगेगा सर, डॉक्यूमेंट क्या लगेगा? डॉक्यूमेंट यही आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। ओके तो जैसे मान लीजिए मैंने एक मोबाइल नंबर दिया जिसपे मैंने लोन लिया है, अभी कई बार ऐसा हुआ है कि जो लोन वाले फोन करते हैं वो दूसरे नंबर भी कर देते हैं, मेरे दूसरे नंबर पर भी करते हैं फोन, तो जो जिससे मैंने लोन लिया था वो मैंने नंबर बंद कर दिया है अभी, लेकिन व्हाट्सएप चालू है उसपे, तो कई बार मुझे जो अभी मैं यूज कर रहा हूँ नंबर उसपे भी कॉल आती है, अच्छा। तो वो भी हट जाएगा क्या? उस पर भी आता जी, है। अच्छा, वो तो दोनों नंबर देने पड़ेंगे कैसे? नहीं, वही जो मेन नंबर है उसी को देना होगा आपको। वो तो रिफरेंस के, रिफरेंस में होगा शायद, तब करते हैं ना मुझे। बिल्कुल। तो चलिए बताइए आप जो भी है करते हैं, अब तो थोड़ा टेंशन तो कम हो जाए। ठीक है भाई, आपको बता देते हैं हम। हाँ शॉप में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, घर में ऐसा होता है कि गांव में होते हैं लोग, फिर आपको पता ही है क्यों आया ये, क्या हुआ है, लोन लिया है, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, गाली बिल्कुल। गलौज तो मैं खुद ही नहीं करता किसी के साथ। अगर हाँ। दुकान में आ जाएंगे तो बात अलग है, दुकान का नहीं मैं टेंशन लेता हूँ। जी बिल्कुल। दुकान तो बाजार में है ना, वैसे बस अड्डे में है दुकान, तो ज्यादा बोलेगा तो साले ही यहाँ ही नहीं टोक देंगे। बिल्कुल लिया है भाई हमने, कौन सा गुनाह कर दिया है? सही बात बोला आपने। अगर मुसीबत आई है तभी नहीं दे रहे हैं, पहले तो दिए ही है, इतने साल से यूज कर रहे हैं, बिल्कुल ये तो नहीं है कि एक बार लिया पहली बार में ही डिफॉल्ट कर दिया। सही बात बोला आपने। चलो ठीक है सर, बताइए आप मुझे ना। ठीक है, आपको हम बता देते हैं। ठीक है, ठीक। ओके सर। चलिए दोस्तों, बात विचार हो गया। वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट देखिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, आधा अधूरा वीडियो मत देखिए। चलिए भाई। चलिए कॉल लगाते हैं भाई, वीडियो कंप्लीट। हाँ भाई बोलिए, बताइए। हेलो, हाँ आवाज़ आ रही है आपको? हेलो, हाँ समझ दे रहे हाँ तो, हेलो। हाँ तो हम ये, हाँ हाँ भैया मैं हम बोल ये, रहा हूँ कि हाँ यार बोलिए। आपने तो, हाँ आपने तो मुझे तो ये वो जो पेपर है वो भेज दिया, जो रिबुक टाटा मेरा नाम का एड्रेस था, वो नंबर जो है ना, बट मेरे पास तो मॉर्निंग से मैसेज के बाद मैसेज आ रहा है, कॉल के बाद कॉल आ रहा है। यार आपने बोला जो मेरा नंबर आपका, अब मेरा जो फोन है वो आपके पास जा रहा है, बट मेरे पास तो आ रहे, मैं तो आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ, हाँ मेरा प्रॉब्लम तो अभी तक तो सॉल्व नहीं हुआ, इसलिए तो मैंने हर बार आपको मैसेज कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ। तो आपने बोला जो हो गया, बट हो गया तो फिर से क्यों आ रहा है मेरे पास ना, देखिए, यही पूछ पेरुपिक रहा है। एनबीएफसी एप्लीकेशन है, ठीक है। हाँ एनबीएफसी एप्लीकेशन में दो चीज़ रिमूव होता है, मैंने आप पर मैसेज भी किया है, कॉन्टैक्ट लिस्ट हो गया, एक एड्रेस हो गया। हाँ बाकी मेन नंबर पर कॉल आएगा, तो हाँ रेफरेंस नंबर दिए हैं उस पर भी कॉल जाएगा। तो मेरे पास क्यों आ रहा है, तो तो आपने तो रिबुक कर दिया तो आ रहा है आप क्यों? पर कॉल आएगा, नहीं मेन नंबर आपका है ना, आप ही का नंबर है ना, तो आप आपने बोला जो, अपने ही नंबर से लॉगिन किया है ना। तो हमने क्या बोला, कॉन्टैक्ट लिस्ट पर नहीं जाएगा, मोबाइल का जो कॉन्टैक्ट लिस्ट सारा चीज़ लोगों रहता है, कॉन्टैक्ट लिस्ट रिमूव होता है, और दूसरा में एड्रेस रिमूव होता है, घर पर नहीं आएगा। तो आपके नंबर पर आएगा, मेन नंबर पर ओके आएगा भाई, यही बोल रहे हैं हम। मेरे नंबर पर फोन आएगा, मैसेज भी हाँ आएगा,
हाँ मैसेज, आपका नंबर लॉगिन आपने किया है ना, आपका नंबर थोड़ा ना भाई वो लोग हैक किया है कि नहीं, आपने तो खुद से लॉगिन किया है उसमें, तो आपका तो नंबर रहेगा भाई। वही तो मैं बोल रहा हूँ मैसेज में कब से, कि आपके मेन नंबर पर आएगा, रेफरेंस नंबर आपने जो डाला है उसमें, उस नंबर पर भी कर सकता है, बाकी आपके घर पर नहीं आएगा और कॉन्टेक्ट लिस्ट पर भी नहीं जाएगा कोई कॉल। यदि कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कोई कॉल जाता है तो हमको आप सूचित कीजिए, आप बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपके घर पर कोई नहीं आएगा भाई, NBFC एप्लीकेशन है। घर पर कोई नहीं आएगा ना? ना घर पर कोई नहीं आएगा। ओके ओके। अभी कितना महीना हुआ लोन लिए हुए? 14 डेज हुआ। 14 दिन अभी नया? हाँ तो अभी न्यू मतलब की है अभी, अभी दो दो महीने तक आप पर तो कॉल खूब आएगा, 2 महीने तक आप पर कॉल आएगा भाई। हाँ उसके बाद? उसके बाद नहीं आएगा। ओके 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 ओके। बिल्कुल ओके। और कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैं आपको मैसेज करूँगा, प्लीज रिप्लाई। हाँ कोई कोई प्रॉब्लम होगा, मान लीजिए घर पर आ गए तो हमको मैसेज आप जरूर कीजिएगा, चाहे कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल जाएगा तो। ओके और ओके भाई, और एक बात बोल रहा हूँ, ये जो मेरा नंबर पर जो कॉल आ रहा है इसको कुछ सर्विस से हटा नहीं सकते क्या? ना भाई ये कैसे हटेगा भाई, ये तो नहीं ना हटेगा। ओके भाई यार, बिल्कुल भाई ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो मैं आपको फिर से कॉल करूंगा, बिल्कुल मैसेज करूंगा, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल जरूर। हाँ रिप्ले देना। ठीक है भाई, थैंक यू। चलिए भाई यही कन्फ्यूजन रहता है, समझ गया ना। चलिए भाई वीडियो कंप्लीट है। हाँ भाई बोल रहे हैं कि आपको हम भेजते हैं, ठीक है टेंशन मत लीजिए, आपका काम हो गया है ठीक है। तब यार हफ्ते बाद फिर कॉन्टैक्ट लिस्ट भेजें। अभी कितने बजे कॉन्टैक्ट लिस्ट भेजें आप पर? ऐसे पूछ रहा हूँ मैं। कॉन्टैक्ट पहले भेजी थी उन्होंने, तो कॉन्टेक्ट लिस्ट फिर भेजिए क्या आप पर? नहीं नहीं तभी भेज दें। ना 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 कोई दिक्कत नहीं होगा, आज तो कुछ नहीं हुआ है ना। आज कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ ना अभी ना, तो आगे भी अब कुछ दिक्कत नहीं होगा, आपका हो गया काम, बाकी रही बात तो हम आप पर भेज देते हैं कंफर्मेशन, ठीक है ना। अच्छा हाँ 7 दिन बाद वो लोग करता है। कितना बजे दिया था पैसा आपको? उन्होंने दिया था 10-11 बजे, उसी टाइम आप पे मैसेज कर दिया था मैंने। अच्छा 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 हाँ हाँ, तो फ्रॉड एप्लीकेशन है ठीक है, रिपेमेंट नहीं किया जाता है कोई भी फ्रॉड एप्लीकेशन का। अच्छा रिपेमेंट ना ना कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा चल भेज दे भाई स्क्रीनशॉट में। ठीक है भाई ठीक है देखते हैं। हाँ भाई ठीक है, ओके ठीक। चलिए भाई वीडियो को कंप्लीट देखिए। आधा अधूरा वीडियो मत देखिएगा, यदि आधा अधूरा वीडियो देखिएगा कुछ समझ भी नहीं आएगा, पूरा कंप्लीट देखिए वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमको सपोर्ट बनाए रखिएगा आप लोग। वीडियो को कंप्लीट देखिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ठीक है, आधा अधूरा वीडियो मत देखिए, यदि आधा अधूरा वीडियो देखिए कुछ समझ में नहीं आएगा, पूरा कंप्लीट वीडियो देखा कीजिए ठीक है ना। पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रॉड एप्लीकेशन का आपको रिपेमेंट नहीं करना है भाई, जितना भी लोग हैं आप लोगों से मैं यही बोलना चाहता हूँ कि कोई भी फ्रॉड एप्लीकेशन सिविल डाउन होगा बोल रहे अमेजोन का 20,000 का मतलब की लिमिट है भाई, फ़ोन ऑर्डर कर लो।
नहीं पैसा दीजिएगा तो आपका सिविल डाउन होगा भाई। ठीक है सर, बोले करना डाटा रिमूव कर मेरा चुका है क्या चार्ज चुका है क्या चार्ज है। कंप्लीट देखिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ठीक है, वीडियो कंप्लीट देखिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, आधा अधूरा वीडियो मत देखिए। चलिए भाई कोई नोट, फ्रॉड एप्लीकेशन का रिपेमेंट आपको नहीं करना है। जितना भी लोग हैं भाई, यदि फ्रॉड एप्लीकेशन का रिपेमेंट कीजिएगा तो आपको ब्लैकमेल एंड हरासमेंट आपको तो भाई मिलेगा ही मिलेगा, वो लोग करेगा ही दोबारा। इसीलिए कोई भी फ्रॉड एप्लीकेशन का आपको रिपेमेंट नहीं करना है। जितने लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं आप सभी लोगों से ही गुजारिश है कि फ्रॉड एप्लीकेशन का आपको रिपेमेंट नहीं करना है। यदि फ्रॉड एप्लीकेशन का आप लोग रिपेमेंट कीजिएगा तो ब्लैकमेल एंड हरासमेंट करेगा भाई आप सभी लोग को। और जितने भी लोग डाटा रिमूव कराना चाहते हैं तो हमसे आप लोग डाटा रिमूव करा सकते हैं भाई, डेटा रिमूव करा सकते हैं, आपका डेटा रिमूव 100% हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, मेरा इंस्टाग्राम का, इंस्टाग्राम पर आ जाइए। जो जो लोग किसी कोई कोई फ्रॉड एप्लीकेशन में फंसा हुआ है उनका काम 100% हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई। बस वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए दोस्तों मोबाइल, हाँ तो आपका हो जाएगा, समझ गए, आपका हो जाएगा डेटा रिमूव, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा। होता क्या है ना कि ये लोगों के पास कॉन्टेक्ट लिस्ट होता है, समझ गए हैं, ये लोगों के पास कॉन्टेक्ट लिस्ट होता है तो उसी का ये लोग धमकी देता है, डराता है कि कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल कर देंगे सारा चीज़। इनके पास डेटा होती है ना, हैक करता है सब, फ्रॉड एप्लीकेशन है, हैक कर लेते हैं। सरकार के पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसको, मतलब मैं तो, मतलब मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, मेरी जैसा आदमी जब फंस सकता है तो कोई भी फंस सकता है। इंजीनियर छोड़िए, मेरे पास पुलिस वाले लोग आते हैं डेटा रिमूव करने के लिए, पुलिस वाले भी फंस जाते हैं। बिल्कुल, तो इसको कैसे, पुलिस वाले, आर्मी वाले, मतलब कि जो भी आते हैं उनका हम काम करा देते हैं। मैं समझा आपको, आपकी बात। तभी मुझे आपके, मैंने आपका वीडियो भी देखा and you seems very authentic, so that's why मैं तुरंत, मैंने फिर वो 100 रुपये पेमेंट भी किया और मैंने सोचा आपसे आपका कॉल भी आ गया, तो इसको जरा प्लीज जरा करवा दीजिए ना। ठीक है, तो डिटेल आपको डिटेल आपको मेरे पास दे दीजिए, लेकिन नहीं है कि चार्जेज हाई लग जाएगा डेटा रिमूव का, समझ गए, कितना लगेगा, 2450 रुपये लगता है, मेरा वीडियो देखे होंगे तो। अच्छा ओके ओके ओके, डेटा रिमूव का चार्ज अलग है, ये जो आपने पे किया है हम इन्फॉर्मेशन के लिए, मतलब कि ये सब करा लेते हैं, जो हो देते हैं, चाहे ऐसे भी हम कॉल कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जाता है तो लोग सोचते हैं कि पैसा देंगे तभी कॉल आएगा, तो कोई जरूरी नहीं होता है, हम ऐसे भी कॉल कर देते हैं। ठीक है, मैं आपको डिटेल्स भेज देता हूँ, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2450 रुपया ये, लेकिन आप डेटा प्लीज जरा रिमूव, आपका हो जाएगा, आपका 100% आपका हो जाएगा। उन लोगों ने स्क्रीनशॉट भी लेकर के, वो कैसे, ब्लॉक कर दीजिए उसको, नहीं स्क्रीनशॉट देखिए क्या होता है ना कि जनरेटेड व्हाट्सअप होता है, ठीक है, जो आपको कॉल मैसेज आ रहा है सब जनरेटेड वेबसाइट कॉलिंग होती है, वो ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है, 5 से 10 मिनट, आधा घंटा, ऐसे ऐसे जनरेटेड वो लोगों का, मतलब कि एंडिंग, मतलब कि डेट, मतलब कि रहती है वो सब सारा चीज़, उसी से रेगुलर कॉल आती है लगातार, और उसी से जनरेटेड व्हाट्सअप पर मैसेज करता है सब, और वो लोग सर्वर से निकाल निकाल कर करता है सब, सर्वर में रखता है सब डेटा,
समझ गया है, अपने सर्वर में रखता है सब। आपका एक्सपीरियंस है कि एक बार आपका जब मतलब वो हो जाता है, फिर हो जाता है, हो जाता है। सीरी एप्लीकेशन से तो बहुत सारे लोग आते हैं, रुक जाते हैं सीरी एप्लीकेशन से। आज आज तो जितना भी लोग आए सब सीरी एप्लीकेशन से बोल रहे हैं कि सीरी एप्लीकेशन फंसे। ये एप्लीकेशन अभी तक प्ले स्टोर पर 1 महीना से चल रहा है, प्ले स्टोर पर, ये ऐप स्टोर पर। ठीक है, बताइएगा। ओके, ठीक। चलिए दोस्तों, बात विचार हो गया, कॉन्टेक्टली कॉल आ रहा है उसके बाद। चलिए कंप्लीट देखिए वीडियो को, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, आधा अधूरा वीडियो मत देखिएगा। चलिए कॉल लगाते हैं भाई, यदि आधा अधूरा वीडियो देखिए कुछ समझ में नहीं आएगा, पूरा कंप्लीट देखिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, जितना भी लोग हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ हाँ बोलिए, बताइए, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ बोलिए, बताइए। I only know a little. हाँ हाँ हेलो, थोड़ा थोड़ा आता है बात करने के लिए, is it, can I speak in English? हाँ हाँ बोलिए, बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। Okay, so this happened a week back. I was just checking your YouTube video. It's the same app, Sri Loan app. So I got a notification. I was just trying to explore that app, and all of a sudden, when I clicked, the loan got approved, and 4,400, and then loan got approved, and then I didn't want that loan anymore, and then I just uninstalled the application right away. And next day, when I see my account, the 4,400 was credited, and I was confused. And when I went back and checked the app, it said that. This particular application has processed my loan, and then I sent an email saying, and they put a service charge of 3,000 extra, so they asked me to pay 7,800 something. So later when I was checking the reviews and YouTube videos and all, I got to know it's a fraud application, and I just ignored. I didn't pay anything. But now the concern is, today was the date where I had to pay the loan, because they had given 7 days of time. 7 days. cousins, sisters, and they've sent it in the group, and they sent list of numbers. बोल रही है अभी payment नहीं किया तो वो सभी के लिए वो group में add करके they will send all the pictures. So I'm just worried now. I don't know what to do. I already raised a crime report भी किया हूँ, अब police station पे complaint भी दिया हूँ. अभी मुझे पता नहीं क्या करना है अभी. तो देखिए, आपको बता देना चाहता हूँ कि ये fraud application है, ठीक है, जैसा ऐसा किसी के साथ होता है, 7 दिन में पैसा ये लोग मांगता है, तो 7 दिन वाला फ्रॉड एप्लीकेशन, सीरी एप्लीकेशन हो गया, चाहे कोई अनदर एप्लीकेशन हो गया। मान लीजिए अभी ऐप स्टोर पर ये एप्लीकेशन चल रहा है, कल रिमूव हो जाए, परसों रिमूव हो जाए, कोई नहीं जानता है, क्योंकि ये अभी एप्लीकेशन ये 1 महीने से वहाँ पर अवेलेबल एप्लीकेशन है। बहुत सारे लोग फंस रहे हैं, और रोज़ मेरे वीडियो में सीरी एप्लीकेशन के मेरे पास रोज़ केस आते रहता है। तो यही इनका रहता है कि मान लीजिए आपके अकाउंट में 2,000 पैसा क्रेडिट किए, उसका डबल ये लोग पैसा मांगता है, 2,000 का मांगेगा 3,000, चाहे 3,500, 4,000, मतलब ऐसे, मतलब कि ये लोग पैसा मांगता है। तो यही है कि जो लोग रिपेमेंट कर देंगे उसके बाद भी ये लोग पैसा मांगता है। आपने रिपेमेंट नहीं किया ना इनका, एक भी रुपये? रिपेमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है, कोई भी फ्रॉड एप्लीकेशन का रिपेमेंट नहीं करना है। रिपेमेंट आप कीजिएगा, दोबारा आपसे पैसा मांगेगा सब, ये श्योर है, यही बोलेगा कि आपका पैसा मेरे पास रिसीव नहीं हुआ है, दोबारा पेमेंट कीजिए, नहीं तो गाली गलौज करने लगा, हरासमेंट करेगा, ब्लैकमेलिंग करेगा, बोले न्यूड पिक्चर बना देंगे, फैमिली को भेज देंगे। कॉन्टेक्टलेस ये लोग सारा चीज़ मोबाइल से ले लेता है ना, हैक कर लेता है ये लोग, और उसी का धमकी देता है सब सारा चीज़। तो वही है कि हम लोग डेटा रिमूव कराते हैं। डेटा रिमूव का होता है मतलब कि आपका जो पैन डिटेल हो गया, पैन कार्ड हो गया, सेल्फी वाला फोटो हो गया, KYC जो सेल्फी, उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट हो गया, नॉर्मल मैसेज हो गया, उसके बाद कॉल लॉग भी जाता है, किससे कितना बात किया रिसेंटली, अनइंस्टॉल करने से पहले। एप्लीकेशन अनइंस्टॉल है ना मोबाइल से?
उसी दिन मैं कर दिया हूँ। हाँ तब ठीक है, तब ठीक है। तो ये सब सारा चीज हम लोग रिमूव करा देते हैं, कोई दिक्कत वाली कोई कॉल मैसेज नहीं आती है किसी कॉन्टेक्ट लिस्ट पर। ठीक है, लेकिन अभी ये प्रोसेस कब शुरू होता है? अब बताइए, अभी जब आपको चाहिए अभी आप करवाना, आपको मतलब कि आपको लग रहा है कि अभी करवाना, इससे मतलब ये होगा तो अभी बोलिएगा तो अभी हम लोग कर देंगे। लेकिन यही है कि चार्जेज लगता है डेटा रिमूव का, 2450 रुपये लगता है डेटा रिमूव का चार्जेज। हाउ मच? हाउ मच? 2450, 2450। ओके ओके, 2450। हाँ ठीक है, बट द डेटा विल बी रिमूव्ड राइट? डेटा विल बी रिमूव 100%। ठीक है, एंड आफ्टर आई फिनिश द कॉल आई विल नॉट बी रिसीविंग एनी कॉल और नोबडी विल, कोई कॉल मैसेज नहीं आएगा कॉन्टैक्ट। और मुझे और एक डाउट है कि अगर तो आप डेटा कंप्लीट रिमूव करने के बाद वो अगेन उनके पास वो रेफरेंस कॉन्टैक्ट लिस्ट है ना, उनके लिए कॉन्टैक्ट वो कॉल नहीं करेंगे ना? ना कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए ज्यादा से ज्यादा कॉल आएगा तो सिर्फ आपके मेन नंबर पर आएगा। ओके, तो मेन नंबर के लिए यही सोल्यूशन होता है कि आप 1 वीक के लिए व्हाट्सएप को आप अनइंस्टॉल कर दो। बस हाँ, व्हाट्सअप अनइंस्टॉल कर दो, मेन नंबर ट्रू कॉल इंस्टॉल कर लो, ऑटोमेटिक स्पैम कॉल ब्लॉक करेगा, नहीं तो आप सेटिंग कर लो जाकर, आईफोन है उसमें अनोन कॉल ऐसे ही ब्लॉक करता है, सेटिंग कर लो आप। नहीं नहीं वही नहीं, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये थी, अभी आप डेटा राइट अगर रिमूव करता है ना, वो रिमूव करने के बाद मुझे कॉल आता है क्या उनके साइड पे, वो लोगों के? कोई ज्यादा इशू होती नहीं है उसमें, कोई ज़्यादा इशू होती नहीं है, कॉन्टेक्ट लिस्ट पर 100% कोई कॉल मैसेज नहीं आएगा। लेकिन मेन नंबर का थोड़ा इशू हो जाता है, लेकिन मेन नंबर भी रिमूव हो जाता है। मेरा नंबर, मैं आईफोन यूज़ करती हूँ, मेरे फोन में वो ग्रुप क्रिएट हो गया है ना, उसमें मेरे व्हाट्सएप में कुछ भी नहीं आया क्योंकि व्हाट्सएप मोर सिक्योर है ना, इसलिए वो कुछ भी नहीं आया। लेकिन मेरा मॉम का फोन में और मेरा ब्रदर का फोन और मेरा कजिन सिस्टर वो ग्रुप में है ना, वो एंड्रॉइड यूजर्स है, उनका व्हाट्सएप में वो सभी पूरा ग्रुप क्रिएट हो गया है, लेकिन मेरा व्हाट्सएप में कुछ भी नहीं हो गया। मुझे बस फ्रॉम मॉर्निंग से कॉल आ रहा है और मैं बोल रही हूँ कि आई डिड नॉट पिक द कॉल, बट इन देयर फोन द ग्रुप हैज बीन क्रिएटेड। सो माय क्वेश्चन इज, इफ यू एरेस द डेटा विल दे गेट कॉल अगेन आफ्टर? नो नो, कोई कॉल मैसेज नहीं आएगा। So they will not, whatever the contacts, उनके पास whatever contacts they सर्वर में रखते हैं वो लोग सर्वर में रखता है, कोई सेव करके नहीं रखता, वो लोग सर्वर से निकाल कर कॉल करता है, कॉल मैसेज करता है सब। जनरेटेड व्हाट्सएप होती है, जनरेटेड कॉल आती है, सब चीज वेबसाइट जनरेटेड। ओके ओके ठीक है, पूरा इरेज होता है, पूरा इरेज हो जाती है, उसके बाद कोई दिक्कत कोई तकलीफ आपको आएगी नहीं। रिपेमेंट आपको 1 रुपया उनको नहीं करना है, ना भी करना है ना पहले करना था आपको रिपेमेंट। नहीं नहीं, मैं अभी तक नहीं किया हूँ, आज ही कॉल आ रहा था ना, और एक नेकेड पिक्चर वो भेज रहे, वो मेरा पिक्चर नहीं है लेकिन दे हैव एडिटेड मेरा फेस डालकर वो ग्रुप में भेज दिया है। दैट इज वो देखने के बाद मैं यूट्यूब, पहले से यूट्यूब देखा था लेकिन आई जस्ट इग्नोर्ड, आई थॉट ओके व्हेन दे कॉल आई विल रिपोर्ट, आई ऑलरेडी रिपोर्टेड टू द साइबर एंड ऑल ऑफ दैट, सो आई जस्ट वांटेड टू चेक इफ हो जाएगा आपका, कोई कॉल मैसेज नहीं आएगा। तो आप ये कीजिए कि आप पर हम अपने व्हाट्सअप नंबर भेज दिए, उस पर आप डिटेल भेज दीजिए, पैन कार्ड हो गया, उसके बाद रजिस्टर मोबाइल नंबर हो गया। ओके ठीक है ना? अभी अभी आप व्हाट्सअप में करते हैं क्या? मैं पूरा डिटेल्स आपको भेज, हाँ डिटेल भेज दीजिए मेरे व्हाट्सअप पर, चैनल का व्हाट्सअप है, लिंक का मतलब नंबर भी डिस्क्रिप्शन में सारा चीज़ दिया गया है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको? इन्फॉर्मेशन यही डिटेल हमको भेजना है आपको, आपसे चाहिए कि आपका पैन कार्ड हो गया, उसके बाद रजिस्टर मोबाइल नंबर हो गया, आपने जो रजिस्टर, हाँ पैन कार्ड और रजिस्टर मोबाइल नंबर, ये दो चीज़। अब बाकी जैसे ही आप मैसेज कीजिएगा मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, वैसे ही आपको UPID आएगा, तो उस UPID पर आप पेमेंट करके स्क्रीन शॉट भेज दीजिएगा मेरे पास, UTR नंबर के साथ आपका काम स्टार्ट होगा। डेढ़ घंटा मैक्सिमम टाइम लेते हैं, लेकिन 1 घंटे में डाटा रिमूव होता है, 1 घंटा होता है लेकिन डेढ़ घंटा, हाँ 1 hour 30 minutes। आपका नंबर व्हाट्सएप में कैसे है? भेज दिया, सेंड कर दिया आपके, सेंड अभी। ओके ठीक, ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। ठीक, चलिए दोस्तों बात विचार हो गया, वीडियो को कंप्लीट आप लोग देखा कि ये चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, आधा अधूरा वीडियो मत देखिए, ठीक है? चलिए भाई, हाँ हाँ बोलिए बताइए। हाँ सर हुआ काम, अभी चल रहा है प्रोसेस में, जैसे होता है आपको हम अपडेट दे देंगे, ठीक है ना? ठीक है सर,
कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। वही अभी क्या आप समझ सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सही बात है, सही बात है। जैसे होता है आपको हम बता देते हैं, ठीक है। मैं क्या बोलता हूँ, मैंने जीमेल का कांटेक्ट पूरा उड़ा दिया है, वो वापस सेव करो क्या? ना ना कोई दिक्कत नहीं होगा, हाँ सेव कर सकते हैं, नंबर आप सेव कर सकते हैं, नंबर सेव कर सकते हैं। एप्लीकेशन अनइंस्टॉल है ना मोबाइल से? मोबाइल से एप्लीकेशन अनइंस्टॉल है ना? हाँ तो सेव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेव कर सकते हैं। ओके ओके ओके। मेरा आईफोन है ना, हाँ हाँ, तो रिमूव ऐप किया है। वो डिलीट होता है क्या फिर? क्या चीज? मैंने मतलब मैंने ऐप है ना रिमूव किया है, मतलब रिमूव ऐप, तो वो ये होता है क्या, मतलब अनइंस्टॉल होता है ऐप कि उधर जाके अनइंस्टॉल करना पड़ेगा? नहीं अनइंस्टॉल हो गया होगा। हाँ हाँ हाँ, रिमूव होता है, रिमूव उसमें आता है, अनइंस्टॉल एंड्रॉइड में सब साथ। हाँ रिमूव हो गया आपका। हाँ हाँ, अब जाकर सेटिंग में जाकर एप्लीकेशन में सब चीज देख सकते। हाँ भाई बोलिए, बताइए, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ भाई बोलिए बताइए। कौन सा एप्लीकेशन? अच्छा सीरी एप्लीकेशन। तो देखिए आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि हम लोग डेटा रिमूव कराते हैं, ठीक है। तो कब ये लोन लिया आपने, ये फ्रॉड एप्लीकेशन से, सीरी एप्लीकेशन से? पाँच छः दिन हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यही है कि आप मेरे पास डिटेल भेज दीजिए, पैन हो गया और रजिस्टर मोबाइल नंबर, ठीक है। ये चीज़ लगेगा, और डेटा रिमूव का चार्ज लगता है 2450 रुपये भाई, समझ गए? क्या चीज़? ना ना किसी में नहीं जाएगा, किसी किसी में नहीं जाएगा, समझ गया है। तो वो उसी के लिए देखिए क्या होता है कि सर्वर से डाटा रिमूव करना होता है, समझ गए? वो लोग सर्वर में डाटा रख लेता है ना, तो सर्वर से डाटा रिमूव करना होता है, सर्वर से डाटा रिमूव हो जाता है, उसके बाद कोई कॉल में से नहीं आती ना किसी पर जाती है भाई। ठीक है ना, अच्छा है ना, नहीं तो मैं परेशान हो गया। देखिए रिपेमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, समझ गए? रिपेमेंट कीजिएगा ना, तब पर भी आपको कॉल मैसेज करेगा सब, समझ गए? दोबारा नहीं किया मैंने। हाँ तो इसीलिए मैं हमेशा बोलते रहता हूँ वीडियो में कि रीपेमेंट नहीं करना है कोई भी फ्रॉड एप्लीकेशन से, यदि आपका लोन है। हाँ हाँ नहीं, मैंने अप्लाई भी नहीं किया था, वो खाली डायरेक्ट आ गया था। हाँ तो ये जबरन डाल देते हैं, समझ गए, ये फ्रॉड एप्लीकेशन है। हाँ एक बार डिटेल इसमें फिल कर दिया ना, उसके बाद आपके अकाउंट में पैसा आना तय ही है इसमें। तो पैन भेज दीजिए, पैन कार्ड, उसके बाद रजिस्टर मोबाइल नंबर है। हाँ तो ठीक है, तो मैसेज कर दीजिएगा, जिस जिसमें अमाउंट डाले उसी में डालकर स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, हम आपका काम चालू करवा देते हैं। काम खत्म हो गया कैसे पता चलेगा? रिमूव होने के बाद आपको प्रूफ मिल जाएगा। ओके, उसके बाद मतलब आएगा ही नहीं ना कुछ? ना ना उसके बाद कोई कॉल मैसेज नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। नहीं जाएगा, नहीं जाएगा कॉन्टेक्ट लिस्ट में, नहीं जाएगा। डेटा रिमूव का मतलब वही होता है कि कॉन्टेक्ट लिस्ट रिमूव हो जाए, समझ गए? ठीक है ठीक है, तो अभी क्या भेजूं? पैन कार्ड और रजिस्टर, पैन कार्ड एंड रजिस्टर मोबाइल नंबर, ठीक है। हाँ और चार्जेज 2450 रुपये लगता है, समझ गया ना? हाँ हो जाने, हाँ हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना? उसके बाद कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं आएगी आपको। क्या बोल रहे सर? रिमूव हो जाएगा ना, तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा। पक्का हो जाएगा? 100% हो जाएगा आपका, 100% हो जाएगा। YouTube देख रहा था तब भी आपका नंबर मिला। ठीक है, अभी फिर तुरंत कर दूं? कर दीजिए आप, भेज दीजिए मेरे में, ठीक है, डिटेल भेज दीजिए सब चीज़। उसके बाद कितना टाइम लगेगा? उसके बाद आपको कम से कम, हमको अभी अभी करवाना चाहते हैं तो 1 घंटा 40 मिनट टाइम देना होगा। अभी तुरंत भेज देता हूँ, लेकिन आप कॉल रिसीव कैसे करेंगे, आपका नंबर?
कभी भी व्हाट्सएप पर कभी भी आप कॉल कीजिएगा तो 100% कॉल रिसीव इधर से होगा। ठीक है, ओके, ठीक ठीक। चलिए दोस्तों, बात विचार हो गया। वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट देखिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आधा अधूरा वीडियो मत देखिए, ठीक है। यदि आधा अधूरा वीडियो देखिएगा कुछ समझ में नहीं आएगा, पूरा कंप्लीट देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, कॉल लगाए हैं। कोई भी फ्रॉड एप्लीकेशन, कंप्लीट देखिए वीडियो, ठीक है। चलिए दोस्तों, कॉल नहीं उठा रहे हैं। आधा अधूरा वीडियो मत देखिएगा, आधा अधूरा वीडियो देखिएगा। चलिए कॉल लगाते हैं। हेलो, हाँ भाई बोलिए, बताइए आपका काम हो गया है? अच्छा, डिटेल्स भेजेंगे? हाँ हाँ, डिटेल आप पर भेज देते हैं जो रिमूव हुआ है। कब, आज ही हुआ है आपके साथ है? अच्छा, तो कैसे फंस गए इसके चक्कर में आप? अरे मेरे दोस्त को जरूरत था ना, तो मैंने पता है एक जन थे ना, मेरे को ऐसे सजेशन दिए थे, तो मैंने उधर पे ऐसा किया, उधर पे जाके वो भी गया उधर अचानक से, तो फिर मेरे पे क्रिएट हुआ, तो मैं बोला कि उसके पहले मैंने आपका वीडियो देखा था, तो फिर मैंने उधर पे आपको फिर मैसेज किया नंबर, तो फिर मैं बोला बात करके रिमूव करवा ले, तो फिर छोड़ो ये सब इस चक्कर में नहीं पड़ना है। बिल्कुल, तो मैंने उधर एक 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 कस्टमर केयर का नंबर था उनका, उसने भी कॉल किया, तो सीधा ओटीपी मांगने लगा, तो मैंने बोला ओटीपी तो नहीं दूंगा, नहीं तो ये पैसा जो है वो भी रिमूव कर लोगे तुम लोग, और कुछ होगा नहीं, तो मैंने उसको उसको नहीं दिया, फिर तो कुछ ऐसा गाली गलौज करके फोन कट कर दिया। फिर मैंने डायरेक्ट आपको मैसेज किया, फिर हो गया है ना आपका? हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, ओके, ठीक। कंप्लीट देखिए वीडियो, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, आधा अधूरा वीडियो मत देखिएगा, ठीक है। यदि आधा अधूरा वीडियो देखिए कुछ समझ में नहीं आएगा। चलिए कॉल लगाते हैं भाई। हेलो, हाँ हाँ आवाज़ आ रही है आपको? हेलो, हाँ हाँ आवाज़ आ रही है ना? हाँ हाँ भाई बोलिए। बोल रहे थे कि कॉन्टेक्ट लिस्ट का आपका काम हो गया है, ठीक है। हाँ हाँ, तो कितना दिन हो गया था इसमें फंसे हुए? ऐप स्टोर के ना ऊपर से भरा था, और दूसरे नंबर पर यही शो हो रहा था मेरे को, उसके ऊपर मैंने भर दिया, और अपने आप ही यार मैंने एक बार भरा था, अपने आप ही खुद ही पैसे ट्रांसफर हो गए, और उसके कारण यार मतलब कि 7 दिन हो गया मेरे को ना, परसों से फोन बहुत आ रहे हैं, बहुत ज्यादा फोन आ रहे हैं। आज सुबह भी फोन आया मेरे को, साउथ कोरिया से आ रहे हैं, और अब आ रहे हैं यूएई से फोन आ रहे हैं मेरे को, बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो ये हाँ हाँ, ये देखिए क्या है ना कि ये जितना भी कॉल आता है सब वेबसाइट कॉलिंग होती है, समझ गए हैं? ये कोई अमेरिका से, कोई दुबई से ये सब कॉल नहीं आता है, ये सब पाकिस्तान में बैठा है सब, समझ गए ना? ये चाइनीज एप्लीकेशन है, चाइना का द्वारा फंडेड ये हो रहा है, और पाकिस्तान से सारा ये बैठ कर ऑपरेट कर रहा है सब, समझ गए हैं? अब वहीं धमकी दे रहा है, लोगों को लूट रहा है, फ्रॉड बेवकूफ़ बना रहा है सब। इसमें होता क्या है ना कि अब मान लीजिए मोबाइल नंबर डाल दिए हैं, डिटेल जैसे आप फिल कर दिए, ठीक है, सब चीज़ डाल दिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल, तो अब इसमें से ये नहीं सोच सकते हैं ना कि हम अपना लोन कैंसिल करवाएं, समझ गए? नहीं होता है कि भाई लोन कैंसिल हो जाता है, जब मन हो तब हो। तो मान लीजिए इसमें आप जैसे ही फिल कर देंगे ऑटोमेटिक पैसा आ जाएगा आपके अकाउंट में, और उसे डबल पैसा मांगेगा 7 दिन में, गाली गलौज करेगा सब। मेरा ना
कम से कम 2500 का हुआ था, शायद 2400 का, और मेरा आज कम से कम मेरे को लग रहा था जैसे ना डबल मांग रहा था, जैसे 4500 रुपए मांग रहा था। इसलिए मेरे को बस भैया जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मतलब कॉन्टेक्ट लिस्ट में से भी फोन आ रहे थे पहले आ रहे थे देखिए होता क्या है ना, देखिए मेन नंबर का होता क्या है ना कि रजिस्टर आपने किया था, ठीक है, मेन नंबर है, तो उसमें क्या होता है कि मेन नंबर का थोड़ा ये इशू हो जाती है, बाकी जो कॉन्टेक्ट लिस्ट है पूरी तरीके से रिमूव हो जाती है, समझ गए। डेटा रिमूव में, डेटा रिमूव का मतलब ही होता है कि कॉन्टेक्ट लिस्ट, देखिए डेटा का मतलब क्या होता है कि जो आपने दिया, मान लीजिए रजिस्टर आपने नंबर किया, ये डेटा नहीं होता है, समझ गए ना, रजिस्टर नंबर डेटा नहीं होता है। डेटा में होता है पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, बैंक डिटेल हो गया, आपका जो केवाईसी हो गया, उसके बाद कॉन्टेक्ट लिस्ट मान लीजिए हैक कर ले, ये सब, समझ गए, तो ये सब डेटा का मतलब होता है, तो ये सब डेटा आपका हट गया है, समझ गए ना। हाँ वो सब का, हाँ वो सब का काम हो गया है, वो सब फोटो का न्यूड फोटो बनाकर भेजता है सब। अच्छा कॉन्टेक्ट लिस्ट और भेजेगा ना, अब नहीं होगा, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रिपेमेंट नहीं ना किया था इसका? नहीं नहीं मैंने किया नहीं रिपेमेंट, बिल्कुल मैंने आपकी ना वीडियो देखी। रिपेमेंट करने के बाद होता क्या है ना कि रिपेमेंट जस्ट आप कर दीजिएगा ना, तो आपको और मतलब कि ये करना स्टार्ट कर दे, दोबारा पैसा मांगेगा, नहीं तो आपके अकाउंट में दोबारा पैसा डाल देगा सब, नहीं तो बोलेगा कि पैसा आया ही नहीं है, फिर से पैसा भेजो मेरे पास। रिफरेंस नंबर? अच्छा रजिस्टर नंबर, तो इसके लिए आपको आपको देखिए मान लीजिए आपका डेटा रिमूव हो गया, ठीक है, अब इसके लिए आप बंद कराना चाहते हैं तो एक सप्ताह के लिए व्हाट्सएप रिमूव कर दीजिए, सिम को ऑन ही रहने दीजिए, ठीक है, जो मेन नंबर है ना यही मेन नंबर है आपका। मेरा को ना भैया मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं पुलिस में हूँ भैया, मैं खुद फंस गया हूँ यार इसके चक्कर में, और क्योंकि मेरे को चलाना पड़ रहा है क्योंकि मेरा मेन नंबर यही है। अच्छा मतलब ऑफिशियल काम इसी से होता है सारा चीज, ये सब लेन देन सारा कुछ इसके ऊपर ही है। अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी, इसका क्या होगा? नहीं तो ये कीजिए, नहीं तो ये करिए कि मान लीजिए कि अपना सेल्फी हटा दिए, ठीक है, मान लीजिए सेल्फी रहेगा तो फिर साला स्क्रीनशॉट लेकर कुछ ना, नहीं तो ये प्राइवेसी में डाल दीजिए कि आपका आपका एवरीवन में है ना, आपका एवरीवन में है शायद, एवरीवन में नहीं प्राइवेसी में ही है। अच्छा प्राइवेसी में है, तब ठीक है, तो उसके बाद ये चीज़ हो गया, मान लीजिए आप पर मैसेज करेगा व्हाट्सएप पर, तो इग्नोर कीजिए, ब्लॉक कर दीजिए उसको, सीन मत कीजिए उसके मैसेज को, समझ गए, उसके मैसेज को सीन ही नहीं करना है आपको, जितना सीन कीजिएगा तो और साला बार बार भेजता है सब जानबूझकर, सोचता है कि भाई सीन कर लिया है, कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है। ओके सीन ही मत कीजिए क्योंकि उनके पास कोई कॉन्टेक्ट लिस्ट है, क्या दिक्कत होगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगा आपको। मैं बस यही देखना क्योंकि उनका उनका वो सब वेबसाइट कॉलिंग होती है, सब वेबसाइट कॉलिंग होती है, जनरेटेड नंबर होता है सब, एक वो कंप्यूटर पर बैठ जाएगा साहब, जनरेटेड नंबर मिलता है वो करते रहता है, वो 5 मिनट के बाद वो नंबर ख़त्म हो जाता है, समझ गए, मिट जाती है नंबर, ताकि पकड़ में ना आए, समझ गए, पकड़ में ना आए इसीलिए ट्रैक ना हो पाए, इसीलिए वो सब नंबर यूज करता है सब। नहीं मैं डीपी पे हटा ही देता हूं मोबाइल। हाँ डीपी डीपी आप हटा ही दीजिए, सब चीज हट गया आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थैंक यू भैया बहुत बहुत यार, मेरे को बहुत दिक्कत थी यार। भैया थैंक यू बहुत बहुत, ठीक है ठीक है ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यदि कोई दिक्कत होता है तो मैसेज कीजिएगा कभी भी रात हो या दिन। ओके भैया थैंक यू, ठीक है ओके, ठीक है ठीक। तो चलिए दोस्तों बात विचार हो गई है, पुलिस में थे, समझ गए ना भाई, मेरे पहले कॉल तो नहीं है। हाँ भाई बोलिए बताइए। हेलो। हाँ भाई बोलिए। हाँ हाँ बोलिए भाई। वो अभी आपने दादा को रिमूव करवा दिया ना? फिर भी वो क्यों कॉल कर रहे हैं ऐसा? देखिए होता क्या है ना कि मान लीजिए आपके नंबर पर कॉल आ रहा है, ठीक है, उसमें होता क्या है ना कि डेटा का मतलब होता क्या है, आपका सेल्फी वाला फोटो हो गया, कॉन्टेक्ट लिस्ट हो गया, मैसेज हो गया, आपका बैंक डिटेल हो गया, पैन कार्ड आधार कार्ड ये सब हो गया,
जो मेन नंबर से रजिस्टर आपने किया है उस एप्लीकेशन में वो डाटा में नहीं आता है, समझ गया? डेटा का मतलब ये सब होता है, ये रजिस्टर आपने किया था, समझ गया ना? हाँ, तो इसीलिए वहाँ पर कर रहा है, इसका इग्नोर करना स्टार्ट कर दीजिए, ट्रू कॉलर इंस्टॉल कर लीजिए मोबाइल में। एक सप्ताह की, वन वीक के लिए आप केवल सिम बंद कर दीजिए, नेक्स्ट वीक से आप दिवाली बाद स्टार्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट्सएप अनइंस्टॉल है ना, तब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, उसके बाद यूज कर सकते हैं, सिम बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्योंकि लिमिटेड सिम मिल रहा है ना आजकल, 10 से ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है, तो फिर दिक्कत होगा। ना ना, फैमिली को कोई कॉल मैसेज नहीं जाएगा। ठीक है, ठीक है, सॉल्व होगा ना भाई, 100% आपका सॉल्व हो गया। यदि कोई दिक्कत होगा तो कभी भी मैसेज कर सकते हैं मेरे पास। ना कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपका सॉल्व हो गया 100%। हाँ, तो मेन नंबर है ना, मेन नंबर का थोड़ा इशू रहता है, समझ गए भाई। जितना हो सके उतना इग्नोर किए, छोड़ दीजिए उसको, आ रहा है कॉल, आने दीजिए, काटिए नहीं, छोड़ दीजिए, ऐसे ही बसते रह दीजिए, ठीक है, उससे मतलब ही नहीं है। उस सिम को अलग कर दीजिए, दूसरे मोबाइल में लगा दीजिए। कोई फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मेन दिक्कत होती है कॉन्टैक्ट लिस्ट का, समझ गए? कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है, इसीलिए लोग बहुत डरते हैं। नहीं तो मान लीजिए मेन नंबर है, खुद का नंबर ले ले भाई, हमको कितना भी गाली दे, हमको क्या प्रभाव पड़ता है कि नहीं? हाँ, अब फैमिली को मान लीजिए कॉल करेगा तो इसमें आदमी डरता है, फैमिली को गाली गलौज करेगा तो अच्छा ही नहीं लगती है, अपने वजह से फैमिली परेशान होगा। तो अभी मेरा तो ऐसा नहीं होगा। ना ना, आपका कुछ ऐसा नहीं होगा, आपका हो गया है। मतलब सेफ्टी के लिए साइबर कंप्लेंट क्या? कर सकते हैं, इसमें क्या कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं, साइबर को आप बता सकते हैं, ऑनलाइन कंप्लेन होती है, गूगल पर मारिए सर साइबर कंप्लेन का, आपके स्टेट का नंबर दे देगा कंप्लेन, कॉल लगा कर रेज कर सकते हैं आप। बस बस सही बोले वो, बाकी बाकी जो था आपका कॉन्टेक्ट लिस्ट का ये सब तो हम लोग काम करवा दिए हैं, बाकी बस आप इग्नोर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे नंबर पे दिया था है तो। 1930 पे कॉल किया था मैं। बिल्कुल बिल्कुल, अमाउंट मान लेते अमाउंट कट हो गया, चाहे उनको पैसा दे दिए हैं तब पर भी आपसे डबल पैसा मांग रहा है सब, तब कंप्लेन होती है, समझ गए? कि मान लीजिए नहीं होता है कि भाई आपने लोन चुका दिया तब पर भी कॉल कर रहा है, बोल रहा है कि भाई और पैसा दो, तब कंप्लेन आप तब कंप्लेन मतलब कि होती है, ऐसे कंप्लेन नहीं होती है। लोकेशन पर कहाँ से आएगा भाई, ये फ्रॉड है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई फ्यूचर में दिक्कत नहीं है। अब ठीक है, ठीक है बच्चे, ना कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आपका हो गया डेटा रिमूव हो गया तब कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल भाई, सही बात है। ठीक है, ठीक, ओके, ठीक। चलिए दोस्तों, बात विचार हो गया, वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, आधा अधूरा वीडियो मत देखिएगा। हाँ, आपका काम हो ही रहा है, सीरी एप्लीकेशन है ना, आपका काम हो रहा है, ठीक है ना, ठीक है, ओके, ठीक, ठीक। हेलो, हाँ हाँ बोलिए, बताइए। अभी मान लीजिए 5 बज रहा है ना, तो 6:30 बजे तक हो जाएगा, ठीक है, 6:30 बजे तक। प्रूफ क्या देंगे
रिमूव होने के बाद आपको प्रूफ मिल जाएगा, जो जो डिटेल मतलब कि रिमूव हुआ है वो उनके पास गया था, समझ गया ना। हाँ खाली कैसा है वो फ्रेंड लोगों का जो कांटेक्ट रहते हैं, मतलब मेरा जो कांटेक्ट लिस्ट है अभी मैंने तो जीमेल से उड़ाया है, उसका कुछ फायदा नहीं ना? ना ना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं ये अपना डेटा जो रिमूव किया मैंने अभी जीमेल से उड़ाया, ना ना उसका कोई एप्लीकेशन, देखिए जब तक एप्लीकेशन मोबाइल में रखिएगा तब तक डाटा का डर है, समझ गए। मोबाइल में एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर दीजिएगा, उनका संपर्क टूट जाएगा आपके मोबाइल से, एप्लीकेशन को नहीं रखना है, समझ गए ना। जैसे ही लगे कि आपको फ्रॉड है एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल मारिए। हाँ भाई बोलिए। ठीक है तब तो ठीक है, नहीं तो एप्लीकेशन रखे रहते तो उनके पास डेटा जाते रहता। ऐसा है क्या? बिल्कुल। तो हाँ मैंने कभी लिया था, मालूम है अभी मंडे को लिया था। तो मंडे से अभी 7 दिन हो रहे हैं, तो अभी 7 दिन भी नहीं हुए, अभी सिर्फ मेरे को वो सब चालू है, फोटो वगैरह वो सब भेज रहे हैं। तो मैं सोचा क्या मतलब वीडियो देखा आपका कि सोचा चलो पेमेंट बोलिए। हाँ आवाज आ रही है आपकी, आवाज आ रही है आपकी, आवाज आ रही है। हेलो। हाँ हाँ आवाज आ रही है, बोलिए बताइए। रोकिए भाई दोबारा ट्राई करना होगा, वीडियो को कंप्लीट देखिए। हाँ हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। हेलो। हाँ आवाज आ रही है आपकी, बताइए। हाँ वो सब रिश्तेदार लोग हैं, फ्रेंड लोग हैं, और जो 10 नंबर मांगे तो उसमें रिश्तेदार का भी नंबर है। ऐसा हाँ, तो यही प्रॉब्लम है कि रिश्तेदार में जाएगा तो कई मतलब वो दिखाने लायक नहीं रहे। सही बात है, सही बात है। इसलिए आपको मतलब कांटेक्ट किया। पैसा कैसे है, पैसे की बात नहीं है, जो डेटा रिमूव होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी मेरे को है ना वो न्यूड फोटो भेज रहे, मतलब 1 घंटे पहले भेजा, अभी तक कोई आया नहीं, पहले भेजा था न्यूड फोटो। सब सॉल्यूशन कर दीजिए आप, भगवान जैसे आपको मिले हो जाएगा आपका, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, समझ गए। उसके बाद मतलब कोई भी ये नहीं आएगा, उनका कॉल भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ गए ना। कोई दिक्कत होने वाले नहीं है। देखिए डेटा रिमूव का होता है ना कि डेटा में होता है कॉन्टेक्ट लिस्ट हो गया, मैसेज हो गया, नॉर्मल मैसेज, कॉल लॉग जाती है किससे कितना बात किए हैं, समझ गया, नॉर्मल कॉल लॉग। और जो मेन नंबर होती है आपका, यही मेन नंबर है ना? तो मेन नंबर का होती है ना कि मान लीजिए आपने रजिस्टर किया है उसमें, तो मेन नंबर का थोड़ा इश्यू हो जाती है, मेन नंबर पर कॉल आने का संभावना बन जाती है, समझ गया ना, मेन नंबर का। बाकी और अनदर नंबर पर कोई दिक्कत नहीं होती है, समझ गए। मेन नंबर पर आता है तो आदमी इग्नोर कर लेता है, समझ गए। हाँ बाकी कॉन्टेक्ट लिस्ट पर नहीं जाएगा आपका। सही बात है, सही बात है। बिल्कुल 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 सही बात है। इसलिए मैं थोड़ा परेशान हूँ, इसलिए आपको मतलब वो बोला है कि कर दो करके। हो जाएगा आपका। मेरे को मतलब WhatsApp पे कुछ आएगा नहीं आएगा इसके बाद? नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। मान लीजिए मेन नंबर पर कॉल करता है तो उसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। और WhatsApp पे कुछ आएगा? WhatsApp पर तो नहीं आना चाहिए, समझ गए ना। वो सब नंबर अलग रहता है, 92 नंबर से कुछ कुछ नंबर से रहता है, वेबसाइट कॉलिंग होती है ना उनका। सारा हाँ सारा सारा फर्जी मतलब कि नंबर होती है उनका। ओके, नहीं अभी तक आपने बहुत सारा किया है ना, मतलब बहुत सारा, अप्रैल से हम करते आ रहे हैं, अप्रैल महीने से करते आ रहे हैं, इसी साल से बहुत सारा, कितना बहुत होगा, बहुत लोगों का किया। हाँ बोल दीजिए, हाँ बोल दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा उनका भी। वो पैसा भरा लेकिन वो और भी तंग कर रहे हैं।
हो जाएगा काम। ठीक है, ठीक है। ऐसा घर पे आदमी वगैरह नहीं आते? ना ना, घर पर कहाँ से आएगा, ये तो फ्रॉड है, घर पर आएगा तो जेल जाएगा। बिल्कुल नहीं सर, कर दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, आप भगवान जैसे अगर मिल गए मेरे को। नहीं हो जाएगा काम, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं वही इंतजार करूंगा, अगर मतलब 6:30 बजे तो बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा आपका, हो जाएगा। ओके, और मेरा दोस्त है उसने पैसा भरा है, फिर भी 2-3 दिन के बाद उसको पैसा भरना ही नहीं है, पैसा भरिएगा तब पर भी आपको कॉल करेगा सब, दोबारा पैसा मांगेगा सब। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, कल हो जाएगा ना? हो जाएगा, हो जाएगा आपका, हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा आपका। ओके ओके, ठीक है। और हेलो, हाँ हाँ बोलिए। अगर कोई ऐसा मतलब लोन की लेना है तो आपसे पूछूंगा कि ये बराबर है फेकी, तो कैसे समझ गए, समझेंगे क्या चीज? अभी कोई भी आगे अप्लाई करने का है तो फ्रॉड ऐप नहीं हो कैसे पता चलेगा? यूट्यूब पर देख लीजिए, नहीं तो रिव्यू देख लीजिए उसके यूट्यूब पर। हाँ, नहीं तो क्या है ना कि बहुत एप्लीकेशन अभी फ्रॉड ही है, समझ गए? हाँ, यूट्यूब पर देख लीजिए, मेरा यही राय है। पे रूपी के NBFC एप्लीकेशन है, ठीक है, सिविल पर ये इफेक्ट करता है। हाँ, ओके, ओके। हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके ओके, ठीक है। मतलब क्या भेजते हैं आप? प्रूफ में वही भेजते हैं कि जो जो रिमूव हुआ वो सारा चीज़ हम भेजते हैं, समझ गया ना, क्या क्या चीज़ उसमें गया था वो सारा चीज़ हम भेजते हैं, मेंशन कर कर जो जो रिमूव होता है वो सब। सर्वर के द्वारा पता चलता है ये? हाँ, सर्वर में वो लोग रखता है ना, वो लोग सर्वर में रखता है, कोई कंप्यूटर में नहीं सेव करता, वो लोग सर्वर में रखता है, क्योंकि इंडिया में इतना सारा चल रहा है तो कितना मतलब, वो कंपनी थोड़ी ना है कोई, वो तो फर्जी, वो तो स्कैमर है उनका। वो बात है कि मेरे को अभी व्हाट्सएप लिस्ट भेज जाए उन्होंने 1 घंटे पहले, वो भी डिलीट हो जाएगा? हाँ हाँ हो जाएगा, आप ले उसको ब्लॉक कर दीजिए ना, उसको ब्लॉक कर दीजिए, जो व्हाट्सएप भेजा है ना उसको ब्लॉक कर दीजिए आप। हाँ किया, किया ब्लॉक किया। हाँ 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 ठीक है ना। ओके, ठीक वीडियो को कंप्लीट देखा कीजिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दिए, ठीक है, आधा अधूरा वीडियो मत देखिए। चलिए भाई, हाँ भाई बोलिए, बताइए। हेलो, हाँ भाई आवाज आ रही है आपकी, बताइए। हाँ भाई बोलिए। सर वो जो सी लोन का एप्लीकेशन है ना, हाँ हाँ हो जाएगा, तो कितना दिन हो गया ये? आज ही, आज ही मतलब कि अप्लाई किए थे, आज ही पैसा आया है इसमें से? पैसा आया नहीं, मैंने निकाला ही नहीं पैसा। अच्छा, मैंने एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर दिया। हो जाएगा, हो जाएगा। तो क्या प्रोसेसिंग में दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? अंडर रिव्यू दिखा रहा था, मैंने एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर दिया। ये फ्रॉड एप्लीकेशन है भाई। हाँ पता है, पता है। कॉन्टैक्टलेस सारा चीज़ होता है, तो ये कीजिए मेरे पास डिटेल भेज दीजिए, पैन कार्ड एंड रजिस्टर मोबाइल नंबर, लेकिन रिमूव कराने का चार्ज 2450 रुपये है भाई। तो 2450, 2450 ज़्यादा नहीं हो गया? बिल्कुल भाई, क्योंकि वीडियो देखे होंगे तो वीडियो में भी हम बोलते हैं, डेटा रिमूव का चार्ज इतना ही है। हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2000 तक कर दीजिए। अब कितना कम होगा भाई, आप ही बताइए क्या चीज मतलब। ये जो अंडर रिव्यू है, मैंने जो एप्लीकेशन है वो आएगा ही आएगा, अभी 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 अनइंस्टॉल भी कर दिए हैं ना, अभी वेट कीजिएगा, आ जाएगा। आज कब किए हैं आप, आज कब किए हैं? आज ही, आज ही। आज कितने बजे? अभी आधे घंटे बजे आ जाएगा, कल तक पैसा आ जाएगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा? वही डेटा रिमूव, समझ गए, कल तक आ जाएगा, वहीं कॉन्टैक्ट लिस्ट उसके पास चला गया होगा, वहीं धमकी उमकी देगा सब। कॉन्टैक्ट लिस्ट का जो मोबाइल में से है ना, हाँ, नॉन कर दिया था और सब भी लोन अलाउ कर दिया था लोन लेने से पहले। हाँ, तो देखिए कल तक आ जाएगा, ठीक है, कल तक आ जाएगा पैसा उनमें से। ठीक है,
अंडर रिव्यू दिखा रहा है तो ठीक है। ओके ठीक है ठीक। कब तक रिव्यू हो जाएगा डाटा? आपको 1.5 घंटा टाइम देना होगा, अभी करवाइएगा तो पता कैसे चलेगा? रिमूव होने के बाद आपको प्रूफ मिल जाएगा, कैसा सारा चीज मेंशन आएगा, जो जो चीज उनमें गया था वो चीज रिमूव हुआ है तो आप प्रूफ भेजोगे क्या? बिल्कुल ठीक है। कब तक रिमूव हो जाएगा? 1.5 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट। 100% पैन कार्ड एंड रजिस्टर मोबाइल नंबर जो एप्लीकेशन में रजिस्टर किए थे। ठीक है, चलिए भाई बात विचार हो गया, वीडियो को कंप्लीट देखिए। नई फाइनेंस बंद कर दिया।